Hello. 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 बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, आप तमाम मेंबर्स लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन को हम अपने लेक्चर्स कमेटी के 65वें लेक्चर के अंदर खुश आमदेद कहते हैं। लेक्चर्स के अंदर हमारा हमेशा कोशिश ये रही कि प्रैक्टिकल टॉपिक्स के ऊपर और लर्नड स्पीकर्स को बुलवाया जाए। आज का लेक्चर इस अंदाज के अंदर प्रॉबली वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वंस है कि ना सिर्फ हमारे जो गेस्ट हैं वो सबसे पीएचडी हैं, सबसे ज़्यादा क्वालिफाइड, और प्रैक्टिस की दोनों साइड्स उन्होंने देखी हुई जब मैं इंट्रोड्यूस कराऊंगा। ना सिर्फ वो हैं बल्कि एक टॉपिक भी एक लिहाज से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। टॉपिक बेसिकली ब्रीफ की हुई है हमारे लर्नर गेस्ट डॉक्टर इकराम उल हक साहब ने, किताब लिखी हुई है प्रिंसिपल्स ऑफ इनकम टैक्स लॉ एंड ग्लॉसरी। मेरे नज़दीक अगर आपने टैक्सेशन के ऊपर काम करना है या अगर आप रिट में काम करते हैं, मैं कराची जाया करता था मुकदमे के लिए और कोई किताब मैं पकड़ता नहीं था। अगर मुकदमा प्रॉपर्ली तैयार नहीं किया वो किताब पकड़ के ले जाता था कि उसमें से कोई ना कोई नुकता आपको आपकी रिट के लिए मिल ही जाता है, ख़ासतौर पर अगर आप टैक्सेशन की साइड पर काम करें। रेट्रोस्पेक्टिविटी के ऊपर हो जाए और लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंस के ऊपर हो जाए हर नुक्ता, इट्स प्रॉब्ली वन ऑफ द मोस्ट यूजफुल बुक्स। और हमारी खुशकिस्मती है कि हमारे दरमियान डॉक्टर इकराम उल हक साहब मौजूद हैं, एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट हैं, 20 किताबों के ऑथर्स हैं, लम्स के प्रोफेसर हैं, और इनकी ख़ास बात यह है कि 1984 से 1996 तक इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के साथ डिपार्टमेंट की तरफ से मैं काम करते रहे। उसके बाद 96 से 2006 तक एडवोकेट हाई कोर्ट थे, फिर एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट बने, और इसके साथ साथ लम्स में पढ़ाने के साथ साथ लिडन यूनिवर्सिटी इन हॉलैंड के अंदर, और जो टैक्सेशन के अंदर लीडिंग इंस्टीट्यूट है इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ फिस्कल डॉक्यूमेंटेशन का, वहाँ पे इन्होंने बीच में काम किया हुआ, और पीएचडी भी लिडन यूनिवर्सिटी हॉलैंड से की हुई है। सो ही इज़ एन एक्सेप्शनल एजुकेशनिस्ट, एक्सेप्शनल प्रैक्टिशनर भी, और अगर आपने टैक्स के ऊपर काम करना है या कोई प्रोपोजिशन है तो डॉक्टर इकराम उल हक साहब इज़ द पर्सन टू रिफर टू। तो सर, लाहौर हाईकोर्ट बार एसोसिएशन की खुशकिस्मती है डॉक्टर साहब, सो नाइस ऑफ यू टू एक्चुअली, आप अपने कीमती वक्त में से आपने टाइम निकाला हमारे दरमियान मौजूद है। ओवर टू डॉक्टर इकराम उल हक साहब ऑन प्रिंसिपल्स ऑफ इंटरप्रटेशन ऑफ टैक्सिंग स्टैट्यूट्स। थैंक यू जी। आप सब हजरात का बहुत शुक्रिया और बार का जिन्होंने मुझे आज इन्वाइट किया, आज के आपके साथ कुछ आइडियाज शेयर करूँगा और कोशिश करूंगा कि कुछ थॉट प्रोवोकिंग बातें हों, क्योंकि टैक्स का निज़ाम भी और टैक्स कोर्ट्स भी आहिस्ता आहिस्ता पाकिस्तान में इस कदर तबाह हाल होते जा रहे हैं जैसे दूसरे मामलात हैं, तो ज़रा कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स तो खैर आप लोगों से एक बर्ड आई व्यू कर लेंगे ताकि वो ज़रा रिफ़्रेश हो जाए, मगर फिर कुछ दो तीन जो बहुत ही बर्निंग इशूज़ मेरे जहन में टैक्सेशन से रिलेटेड हैं उनका ताल्लुक असूलों से तो है, उसके बारे में हम कुछ गुफ्तगू जो है वो भी कर लेंगे। तो पहला जो बड़ा मसला आता है हमारे यहाँ वो यही है कि व्हाट इज़ टैक्स एंड व्हाट इज़ नॉट टैक्स, बिकॉज़ ये ख़ुद भी एक जब हम एंट्री पढ़ेंगे तो ऑब्वियसली अगर लिखा हो कि टैक्स ऑन इनकम अदर देन एग्रीकल्चर इनकम, आप सबको एंट्री 47 का पता है, तो ये पढ़ने में तो बहुत आसान लगती है, मगर व्हाट इज़ टैक्स ऑन इनकम और फिर व्हाट इज़ एग्रीकल्चर इनकम, बड़ा झगड़े का बायस बनती हैं ये चीज़ें कि मैंने जिस चीज़ पर टैक्स करने की लेजिस्लेशन ने कोशिश की वो टैक्स है या फ़ी है, और इसके बारे में आगे चलने से पहले हम देख लें कि अभी दो झगड़े ऐसे चल रहे हैं जिनका 2011 में आगाज़ हुआ था और अभी तक हल नहीं हुए, यानी कि वर्कर्स वेलफेयर फ़ंड जब उन्होंने इस पर लगाया तो ये झगड़ा लाहौर हाईकोर्ट ने यूँ हल किया
کہ یہ دراصل جو ہے وہ ٹیکس نہیں ہے اور اس کو دونوں ہاؤسز میں جانا چاہیے تھا اور منی بل سے اس کو نہیں پاس کر سکتے تھے. اس لیے جب میں کہتا ہوں ٹیکس تو یہ بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے, کیونکہ اگر وہ ٹیکس نہیں ہے تو پھر دونوں ہاؤسز میں جائے گا اور ٹیکس ہے تو منی بل میں جائے گا. اگر وہ ڈال بھی دیں کانسٹیٹیوشن میں لکھ کے, کیونکہ وہاں لکھا ہوا ہے کہ اسپیکر صاحب جس کو کہہ دیں کہ یہ منی بل ہے کوئی چیلنج نہیں کر سکتا, بٹ اس بات کو آبویسلی ہمارے جڈیشل ریویو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ بلینکٹ لکھنے سے تو نہیں بات بنتی کہ وہ وہاں پہ. آپ کو کیس یاد ہوگا جو میر محمد ادریس والا ہے کہ انہوں نے ججز کی تعداد بڑھانے کے لیے منی بل میں ڈال دیا تھا, اور پھر اس پہ سپریم کورٹ کی ججمنٹ جو میں نے اس پریزنٹیشن کے ٹاپ پہ لکھی ہے آپ لوگوں کی صرف یادداشت کو تازہ کرنے کے لیے, کہ اتنی بڑی لیجسلیٹو ٹرانسگریشن پاکستان میں ہوئی کہ انہوں نے تعداد بڑھانے کے لیے یا کم کرنے کے لیے منی بل کا سہارا لیا. پھر یہ سوال پوچھا سپریم کورٹ نے کہ آپ بتائیے کہ کیا آپ ججز کی تعداد کو بھی ویریشن کریں گے یا منی بل سے, اس کو ٹیکس کا ایشو سمجھتے ہیں. تو وہاں سے ہمارے ہاں یہ 2011 سے ایک ہیٹڈ ڈبیٹ چل رہی ہے اب, اور اس کی دوسری اگزامپل پھر ورکرز ویلفیئر فنڈ میں آئی 18th امینڈمنٹ کے بعد. آپ جانتے ہیں کہ یہ اب پروونشل ایشوز بھی, اب یہ بھی ایک مسئلہ کھڑا ہو گیا ہے کہ اس پہ لیجسلیشن کون کرے گا. ایک ہفتہ پہلے سندھ ہائی کورٹ نے اسٹے کر دیا ہے, کیونکہ سندھ ریونیو بورڈ نے اس کو کلیکٹ کرنے کی کوشش کی آفٹر پیسیج آف بل آف ورکرز ویلفیئر جو تھا بائی سندھ ہائی کورٹ سندھ لیجسلیشن اسمبلی. تو یہ سوال اب تازہ پاکستان میں اس وقت زیر بحث ہیں. پشاور ہائی کورٹ نے آزاد نگر لاہور والی ججمنٹ کو سپورٹ کیا ہے کہ یہ ٹیکس نہیں ہے اور یہ دونوں ہاؤسز میں جانا چاہیے, جبکہ سندھ ہائی کورٹ کے فل بینچ کا خیال یہ ہے کہ یہ ٹیکس ہے اور یہ منی بل سے لگ سکتا ہے. اب یہ بڑی انارمس سچویشن پیدا ہوئی ہے کہ سندھ کے اندر لوگ ورکر ویلفیئر فنڈ پے کر رہے ہیں جو بھی اس کی چارجیبلٹی میں آتے ہیں, اور جو ہمارے پنجاب ہائی کورٹ کے پرویو میں ہے وہ نہیں پے کر رہے ہیں. اور میرے بینک کلائنٹس کو یہ مصیبت ہے کہ وہ ہر جگہ موجود ہیں, تو وہ کہاں پے کریں گے اور پھر پرپورشنیٹی ان کا کیا ایشو کھڑے ہوں گے. اگر وہ سندھ میں دینا بھی چاہیں تو آبویسلی برانچ کی بنیاد پہ دیں یا رجسٹرڈ آفس کی بنیاد پہ دیں. تو یوزلی یہ ٹیکس کے ایشوز جو ہیں یہ ان لائک ہماری جو کامن لاء کی ٹریڈیشن ہے اور جورسپروڈنس ہے اس سے کافی دور اور ڈیویشن میں ہوتے ہیں, اس لیے اس کی اپنی اسپیشلٹی. تو میں کبھی سوچتا ہوں کہ آپ کے سامنے سارے پرنسپلز رکھنے سے پہلے اگر آخری والی جو انڈین کے فارمر چیف جسٹس آر ایس پاتک تھے اور بعد میں ہیگ پہ انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں بھی کام کیا, ان کا ٹیکسنگ اسٹیچوٹ کے بارے میں جو رائے تھی وہ کچھ یوں تھی کہ دی ٹیکسنگ اسٹیچوٹس آر اے ورن اسٹرکچر آف این اسپیشل کوڈ آف پرنسپلز وچ انکلیوڈ نارمس ناٹ کامن ٹو ادر لیجسلیٹو انیکٹمنٹس اینڈ آر بیسڈ آن کنسیپچوئل پرسپیکٹیوز سم ٹائم ایٹ ویریئنس ود دی ایکسیپٹیڈ نارمس آف جنرل لاء. سو ٹیکس کو پڑھتے ہوئے یہ بھی ہمیں تھوڑا سا خیال رکھنا چاہیے, کیونکہ اس میں ایکویٹی نہیں ہوتی. فار ایگزامپل ہارڈ شپس کے ایشو نہیں لیے جاتے, اس بات کو مد نظر نہیں رکھا جاتا کہ اگر امبیگوس لینگویج نہیں ہے تو پھر اس کے ریزلٹس کیا پیدا ہوں گے, کتنی ڈسٹرکٹیو ہوگا. اس حد تک بھی کورٹس اوائڈ کرتی ہیں, اور سندھ ہائی کورٹ میں تو شاذ و ناظر ہی کوئی رٹ میں اسٹے وہ گرانٹ کرتے ہیں, ان کی ایک پتہ نہیں ٹریڈیشن ہے, جبکہ ہمارے ہاں کورٹ جو ہے جہاں یہ سمجھتی ہے کہ رٹ ضائع کرتی ہے تو نیچرلی ریلیف بائی وے آف جو ہے انڈر آرڈر بھی آتا ہے. بٹ سندھ میں میں نے بہت مشکل دیکھا ہے کہ وہ اس چیز کو بھی انٹرٹین کرے. سو یہ بڑا ٹیڈیس ایشو ہے کہ ہم کس کو ٹیکس کہیں گے. اور اب یہ جھگڑا اگر آپ کے سامنے ہو کہ ایگریکلچر انکم ٹیکس پاکستان میں فیڈرل سبجیکٹ نہیں ہے, ایگریکلچر انکم ٹیکسیشن, تو پھر وہاں ایگریکلچر انکم کی ڈیفینیشن کیا لی جائے. تو یہ میں آپ کو پھر اینڈ کے اوپر اس سوال کو چھوڑے جا رہا ہوں, پھر ہم جب انٹریکٹ کریں گے تو میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ جب ایک ایکسپریشن ہو, اب نرسری کو کیا ایگریکلچر انکم کہا جائے کہ نہ کہا جائے, اسپونٹینیس ٹریز کو ایگریکلچر انکم ٹیکس کہا جائے کہ نہ کہا جائے, اینڈ سو فورتھ ساتھ ساتھ
ایز اینڈ وین ٹیکنالوجی ایڈوانسز بہت سی چیزیں آ جاتی ہیں، لوگ تو اب گھروں میں اتنے ٹماٹر لے سکتے ہیں جو شاید آپ پہلے کھیت سے بھی نہ لے سکتے ہوں، سو وٹ آپ اس کو لے کر بیچنا شروع کریں تو کیا وہ انکم ہوگی نہیں ہوگی، گارڈننگ کیا ہے، ایگریکلچر کیا ہے، ڈیفیکلٹ ایشوز کھڑے ہوتے ہیں. بٹ پہلا تو میں نے چیلنج آپ کے سامنے WWF کا بھی رکھا ہے کہ آپ کی رائے بھی جاننا چاہوں گا کہ اس کو کریں. آخر کی اسی سلائیڈ میں کانسٹیٹیوشنل پرنسپل نو ٹیکسیشن ود آؤٹ ریپریزنٹیشن آرٹیکل کی لینگویج ہے، نو ٹیکس ایکسیپٹ بائی اور انڈر دی اتھارٹی آف ایکٹ آف پارلیمنٹ. اوور دی پیریڈ آف ٹائم دس ہیز بین ڈیلیگیٹڈ ٹو اینڈ دس ڈیلیگیشن اٹ سیلف از کوائٹ کوشچنیبل ڈیلیگیشن، ویدر اٹس اے ڈیلیگیشن اور اٹ از ایبڈیگیشن. ٹو مائی مائنڈ دے کین ناٹ ڈیلیگیٹ دی مین پاور آف لیوی آف ٹیکس، بٹ ایوری تھنگ از بینگ ڈن تھرو اسٹیچوری ریگولیٹری آرڈر. So it is also in Pakistani context a great question mark that whether perpetual violation of Article 77 will stop or not, and if it will stop, how and through which means, because they are quite considering, though that a judgment came in the case of petroleum levy and the Supreme Court said no, you cannot do it through that delegation. Order is there, but they are not listening to that. So every month there is petroleum legislation through SRO, I mean if they change the rate, and this time they have deviated and even levied fixed sale tax for the first time. So if prices are going down but they want to get a certain amount of revenues, what they have done is that taxation on high diesel oil is now 98% in this month, because the base price was 37.50, they levied fixed per liter tax of 24.57 rupees and 10% petroleum surcharge. So you can calculate that it is even near that 37.25%. So that is also to my mind a great question, that though we have a clear constitutional command, and in the presence of this constitutional command, how they can delegate power to executive to levy tax. This very delegation has to be challenged in a big way, so that we can prove that this entire taxation system is against Constitution of Pakistan. It is basic principle, if they lack jurisdiction and competence to levy tax, then of course levy will go away. Then after coming from this constitutional perspective, where we have to see for every imposition whether it fulfills the requirement of constitution or not, if it is offending any fundamental right or legislature transgresses any entry itself or goes beyond its power to levy tax. For example, Punjab Revenue Authority is levying taxes which are not services anymore, though constitution says that they can only levy tax which is services. But if they start taxing supply of goods or which are integral part of supply of goods, certain contracts like contracts of construction, they involve for example both supply of services and as vessel services, but they are composite. If I am handing over somebody a bridge or a road or a dam, obviously in this process I am also consuming services and goods, but is I am also liable to pay sale tax on services? It is also a very tedious question to be answered, but they are demanding it, and so lot of confusion is going on even after 18th amendment, who is going to levy tax for what.
And I must tell you that for the next 25 years, we will be in this rigmarole. Income tax ordinance 1979 was repealed with effect from tax year 2003. And for the last many years, now it is almost, you can calculate from 2003 till today, a lot of litigation is going on. And even basic principles have not still been settled about this law. For example, this is the only law which authorizes commissioner to revise his own order. So we keep on saying the basic principle that nobody can be judge in his own cause. Even review, the power of review is very limited one. You cannot just undo your own order. If judges of high courts and Supreme Court cannot do that, but the commissioner of income tax can, this is such a destructive power in his hand that he can undo his own order by issuing just a notice to you. So these are fundamental questions which we have to correlate with the established principles of interpretation of statute. So the first point that I have taken in this slide is that fiscal rules are meant for good governance and not to destroy the citizens' right or go for the bad governance. But unfortunately, for the last many years, especially since 1992. Okay. 1991 से जो है पाकिस्तान में perpetual जो fiscal rules हैं वो bad governance के लिए अब इस्तेमाल हो रहे हैं. इसकी background थोड़ी सी discuss कर लेते हैं कि आपको याद होगा कि 91 वो साल था जिसमें उन्होंने presumptive income tax का आगाज किया. So income tax के basic structure को तबाह करते हुए ये कहा कि अगर आप imports करेंगे तो वो आपकी इनकम कमर्शियल इंपोर्टर के हाथ में टोटल इंपोर्ट आपकी इनकम ट्रीट कर ली जाएगी. अब ये कॉन्स्टिट्यूशन के किस प्रिंसिपल के तहत था कि आप किसी की इन्वेस्टमेंट को उसकी इनकम ट्रीट कर लें. जैसे कहा गया कि कॉन्ट्रैक्ट्स की टोटल वैल्यू को इनकम ट्रीट कर लेंगे, तो ये भी एक बहुत अजीब सा ख्याल था. किसी भी टैक्स लेजिस्लेशन में ऐसे ख्याल ना आए. ये तो ठीक था कि डिविडेंड हो गया, आपके पास इंटरेस्ट इनकम हो गई, उसको आप उसके ऊपर ये झगड़ा नहीं होता कि ये इनकम नहीं है. ऑब्वियसली डिविडेंड इनकम है, इंटरेस्ट आपकी इनकम है, रॉयल्टी इनकम है, फी फॉर टेक्निकल. तो उसके ऊपर हिस्टोरिकली टैक्स ज्यूरिस्प्रूडेंस में ये होता था कि आप फिक्स रेट ऑफ टैक्सेशन कर लेते थे उसमें एक्सपेंसेस का. तो इस हद तक हम उसको आप प्रिजम्प्टिव नहीं बल्कि सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम्स कहते थे. ये हिस्टोरिकली मैं आपको टैक्स की ज्यूरिस्प्रूडेंस से, कई मुल्कों में ये सवाल पैदा हुए तो उन्होंने कहा इसको रिड्यूस रेट पे टैक्स करें और इसको एक्टिविटी को प्रमोट करने के लिए और कहीं इन डिफ़िकल्टीज पे कि आप नॉन रेजिडेंट हैं, पाकिस्तान में काम किया, अब आप यहाँ रिटर्न्स क्यों फाइल करेंगे. उन्होंने कहा कि आपकी रॉयल्टी पे हम 15% है, जो भी रेट्स ट्रीटी में 10 से 15% लेकर तो फुल एंड फाइनल कर. ये पाकिस्तान में बहुत इनोवेटिव काम हुआ है 91 में, जिस पे बहुत हैरान कन बात हुई कि उन्होंने कहा कि जी हम बहुत नालायक हैं, हमसे गुड गवर्नेंस नहीं हो रही, लोग रिफ़ंड मांगते हैं, रिफ़ंड माफियाज क्रिएट हो गए हैं, तो ऐसा करते हैं कि हम आपकी टोटल सप्लाईज़ को, आपके टोटल कॉन्ट्रैक्ट्स को, आपकी टोटल इम्पोर्ट को ही आपकी इनकम समझ लेते हैं. और उसके ऊपर उस वक्त रेट्स कम थे, 1-2%, आज करते करते वो 10-12% पे ले आए हैं, जिससे बिजनेस के लिए भी वो कन्फिस्केटरी हो गए हैं. जैसे आजकल बहुत सी रिटेल सर्विस सेक्टर कंपनीज ने फाइल की हैं, उनके ऊपर उन्होंने कहा है कि 8% आपका फुल एंड फाइनल टैक्स होगा. वो तो 8% का ये मतलब होता है कि वो तकरीबन आपके रियल प्रॉफिट का ही 90% से ऊपर ले जाए. सो ये इसके ऊपर जो सबसे बुरा काम हुआ लेजिस्लेशन ने तो किया ही किया, हमारी सुप्रीम कोर्ट ने भी इसको अपहेंड किया लाही कॉटन के केस में और ये कहा कि ये टैक्सेस इन लीव ऑफ इनकम है. यानी कि अब आप एंट्री 47 से निकल कर 52 में आ गए. अब वहाँ इन लीव ऑफ तो उन कैपेसिटीज़ के बारे में था, प्लांट एंड मशीनरी के, एक जैसे कोई प्रिंटिंग प्रेस है.
अब आप चाहते हैं कि प्रिंटिंग प्रेस के ऊपर आप उसकी इनकम पे ऊपर टैक्सेशन एक्साइज ड्यूटी ना लगाएं, उसके ऊपर आप सेल टैक्स ना लगाएं, तो आपने कहा चलिए आप पर मशीन इतना टैक्स दे दिया करें जो हिस्टोरिकली हम एक्साइज ड्यूटीज़ को और इनकम टैक्स को और उसको, उन्होंने कहा जी आप एक कंपोजिट आप पे टैक्स लगा देते, ये छोटे छोटे इस तरह की जो सर्विस ओरिएंटेड चीज़ें थी उनके ऊपर ये लगाया गया। मगर इसको ऊपर जो हमने भी कोर्ट की सही असिस्टेंस शायद की या नहीं, मैं तो खैर उन दिनों क्योंकि अदर साइड पे था तो उसमें आर्गुमेंट जो हमारी तरफ से गया वो ये था कि जी ये इनकम को इस तरह से डिफाइन नहीं किया जा सकता, बजाय इसके ये कहने के पिथ एंड सब्सटेंस में तो ये इनकम टैक्स नहीं बल्कि ये टैक्स ऑन सर्विसेज है या टैक्स ऑन गुड्स है। तो फिर बहुत से ये सवाल पैदा होते कि अगर सर्विस सेक्टर को आप फुल एंड फाइनल ग्रॉस रिसीट पे लगाएंगे और इसमें और जो सेल टैक्स ऑन सर्विसेज सूबे लगाते हैं इसमें क्या फ़र्क है, तो क्या एक ही एंट्री को दो जो एंटिटीज़ हैं हमारे यहाँ, जाहिर है आर्टिकल 142 के अंदर बहुत क्लियरली मेंशन है कि किन एंट्रीज़ के लिए सूबे टैक्स लगाएंगे और किसके लिए फेडरल गवर्नमेंट टैक्स लगाएगी, तो इसको हम इंटरमिंगल तो नहीं कर सकते कि एक ही एंट्री को पकड़कर वो भी टैक्स लगाना शुरू कर दे। और 18th अमेंडमेंट के बाद तो कॉन्करेंट लिस्ट भी अबॉलिश हो चुकी है, अब तो जो चीज़ भी हमारे फेडरल लेजिस्लेटिव लिस्ट के पार्ट वन में है उस पर वो टैक्स लगाएंगे पार्ट टू में कॉन्करेंस से, और उसके बाद रेजिडुअल सारे के सारे सूबों के पास हैं। तो ये इशू जो है फिस्कल रूल्स के बारे में बहुत ही हमारे यहाँ तवज्जो तलब होना चाहिए हमें इस, क्योंकि ये टैक्सेशन जो होती है चूँकि सोसाइटी के अंदर बहुत बुरी तरह से आम लोगों को भी मुतासर करती है, तो एज ए लीगल फ्रटर्निटी अगर हम इसकी प्रैक्टिस ना भी करें तो हमें लोगों के फंडामेंटल राइट्स के एंगल से टैक्सेशन से एक डिस्ट्रक्टिव पावर है स्टेट की, और इसको दोनों तरीके से देखना चाहिए कि अगर वो वेलफेयर के लिए इकट्ठा करे और इसका जो इंसिडेंस है वो लोगों को आर्टिकल 3 के मुताबिक, जो आप बेहतर मुझसे पढ़ा होगा आपने, कि फ्रॉम एवरी बॉडी अकॉर्डिंग टू हिज एबिलिटी टू एवरी बॉडी अकॉर्डिंग टू हिज वर्क। डॉक्टर साहब आपने लव्स कॉन्फिस्केटरी यूज़ किया और सुप्रीम कोर्ट ने भी यूज़ किया, उसका क्या मतलब होता है? मतलब अगर आपकी जो टैक्सेशन है वो इस हद तक हो कि वो आपके एसेट्स को और आपकी इनकम को कन्फिस्केशन की हद तक चली जाए, यानी अगर मिसाल के तौर पर मेरा प्रॉफिट 1 रुपये है और मुझे 2 रुपये टैक्स लगाया जाए तो ऑब्वियसली आई विल ओनली हैव टू सेल माय एसेट्स टू पे दैट, तो ये कन्फिस्केटरी होगा। वैसे आम तौर पर जब एक लॉ बन जाता है, जब मैं अब आपसे अर्ज कर रहा हूँ, पहले तो ये देखना होगा ऑन द टच स्टोन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के वो लॉ सही बना है, लेकिन जब बन जाता है तो आप इसके दूसरे पार्ट में जैसे देख रहे हैं कि फिर लिटरल अप्रोच बहुत ज़्यादा अहमियत रखती है हमारे टैक्सेशन स्टैट्यूट में। अगर वो बहुत ज़्यादा मैनिफेस्ट एब्सर्डिटी की तरफ जा रही हो तो फिर कहीं जाकर जाहिर है कि कोर्ट्स को उसके पर्पसिव अप्रोच के अंदर जाकर कुछ ना कुछ हार्मनाइज करने की जो है कोशिश करनी चाहते हैं, अदरवाइज़ तो जो लिख दिया गया हो उसकी वजह एक ये भी होती है कि अगर टैक्स वाले फिर जो ना लिखा गया और आपसे कहें कि जी मैं आपको स्पिरिट के मुताबिक टैक्स लगाना चाहता हूँ, तो आप भी ये कहते हैं कि नहीं जी वर्ड्स ऑफ लेजिस्लेशन में अगर मैं नहीं आता तो मैं टैक्स नहीं दूंगा। ये बड़े सालों की डिबेट है इनकम टैक्स में भी और दूसरे टैक्स कोर्ट्स में भी कि वो टैक्स नहीं आप ले सकते, चाहे भले वो तकरीर करते हुए मिनिस्टर साहब ने उस वक्त और वहाँ जो सेक्रेटरी और उसका इंचार्ज भी हो उस वक्त स्पेसिफिकली भी कह दे कि हम ये टैक्स लगा रहे हैं, मगर अगर उनसे सही ड्राफ्टिंग ना हो या आप उस पर्टिकुलर प्रोविजन में ना फॉल करते हो तो यू कैन ऑलवेज एस्केप टैक्सेशन, बिकॉज टैक्सेशन इंटेंडमेंट से नहीं होती, एक्सप्रेस वर्ड से होती। ये इस रूल को हमने फिजिकल स्टैट्यूट का बेसिक प्रिंसिपल समझते हैं। और जो इसी को हमारे यहाँ कोर्ट्स ने एलैबोरेट किया है कि आप इंटेंशन ऑफ लेजिस्लेशन जो है वो एक प्रोसेस तो है, मगर अगर लैंग्वेज अनएम्बिगुअस है तो फिर आप उसकी तरफ तवज्जो देंगे। ये लेजिस्लेशन का काम है कि अगर उसमें कोई गलती रह गई है या कोई एस्केप कर रहा है तो इट्स नॉट फॉर द कोर्ट टू प्रोवाइड फॉर द डेफिशिएंसी ऑफ द लॉ, इट इज़ फॉर द लेजिस्लेशन टू कम एंड रिमूव दैट।
So this should also be kept in mind that taxation cannot be by inference. It should be by express word always, no matter whatever the intention of the legislation may be. तो उसमें वो आप फॉर नहीं करते, you can always say कि strict construction का rule जिस कदर physical statute में इस्तेमाल होता है, शायद ही कहीं और होता हो. और ये दोनों तरफ होता है, exemption clause में भी आप तब fall करेंगे अगर आप strictly साबित करें कि you fall within the exemption clause. और chargeability का भी वही principle है, unless you come within the letter of the law, you cannot say that or taxation people cannot say since you fall in the spirit of law therefore you pay tax. So ये बहुत बुनियादी issue है एक fiscal law को समझने के लिए. इसके अंदर जो सबसे ज़्यादा problem आता है वो extra territoriality का आता है, क्योंकि extra territoriality में tax का relationship समझने के लिए सादा सी एग्जांपल है कि अगर आप किसी जगह रेजिडेंट हैं तो आपको टोटल वर्ल्ड इनकम पे टैक्स देना है. अब इसको आप कैसे मिटिगेट करते हैं कि मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पाकिस्तान में रहता हूँ, मेरी कुछ पाकिस्तानी इनकम है, कुछ मेरा लंदन में घर है, मैं वहाँ पर. अब लंदन वाले तो मुझे सोर्स की वजह से टैक्स लगाएंगे क्योंकि मेरी प्रॉपर्टी जो मुझे इनकम आ रही है वो लंदन में है. और पाकिस्तान में मुझे इसलिए टैक्स लगेगा कि मेरा स्टे 183 डेज से ज़्यादा हो तो मैं पाकिस्तान में रेजिडेंट समझा जाता हूँ. तो अब मुझे टोटल वर्ल्ड इनकम पे टैक्स देना होगा. इस टोटल वर्ल्ड इनकम पे टैक्सेशन का मतलब ये होगा कि मुझे यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा लंदन के अंदर जो मैं टैक्स पे करूँगा उसका टैक्स क्रेडिट मिलेगा. इन टैक्स क्रेडिट को दो तरह से देखा जाता है. अगर तो ट्रीटीज़ हों तो उनके अंदर यूजुअली एलिमिनेशन ऑफ डबल टैक्सेशन की जाती है कि आप कोई एक उस पर टैक्स लगाए. तो इस लिहाज से एक्स्ट्रा टेरिटोरियलिटी की आगे दो ब्रांचेस हैं उन कंट्रीज़ के साथ जिनके साथ हमारी डबल टैक्सेशन ट्रीटीज़ होती हैं, वहाँ एलिमिनेशन ऑफ डबल टैक्सेशन के प्रिंसिपल होते हैं. और जहाँ नहीं होती वहाँ पर हम उसको सिर्फ टैक्स क्रेडिट क्लेम कर सकते हैं जो कि हमें किसी और जगह पे किया. बुनियादी तौर पर जहाँ आप रेजिडेंट होते हैं वहाँ आपको अपनी टोटल वर्ल्ड इनकम पे टैक्स देना होता है. यही प्रिंसिपल फिर जो लीगल एंटिटीज़ हैं अदर देन पर्सन का तो मैंने 183 डेज का रूल आपको बता दिया. इसके अलावा जो अदर देन लीगल ह्यूमन बीइंग्स के अलावा फिर कंट्रोल एंड मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स हैं कंपनीज़ के लिए. इफ़ कंपनीज़ आर रजिस्टर्ड इन पाकिस्तान तो वो रेजिडेंट हो जाती हैं, अगर वो पाकिस्तान से बाहर हैं तो फिर वो आप उनका कंट्रोल एंड मैनेजमेंट देखते हैं. इसी लिहाज से कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी का इशू हमने टैक्सेस में देखा भी, तो उसकी एक आध ब्रांच हमने फॉलो की है कि क्या टैक्सेस के अंदर हमेशा बड़ा इशू यही रहेगा कि वो चाहे कितना भी हार्श टैक्स हो, कितना भी आपको मुश्किल लगे, मगर स्टेट के पास एक वाइड पावर है कि वो आपके अंदर इवन इस तरह की क्लासिफिकेशंस क्रिएट कर दे कि सिर्फ़ 1 करोड़ से ज़्यादा इनकम कमाने वाले लोग 70% टैक्स देंगे और जो आप ये नहीं चैलेंज कर पाएंगे कि जी ये. हाँ, अगर वो विद इन सर्टन जहाँ कोई उसका रैशनल ना हो और इस तरह की टैक्सेशन करें तो आप उसको फिर उस क्लासिफिकेशन को भी हिट कर सकते हैं. मगर यूजुअली इसमें जी तो इस बड़ा इसमें एक कोर्ट्स का कंसेंसस है कि दे एंजॉय वाइट पावर्स टू क्लासीफाई, बट ऑफ कोर्स डिस्क्रिमिनेटरी तो नहीं होना चाहिए. बट क्लासिफिकेशन इटसेल्फ कोई बार नहीं है कि आप टैक्सेशन कम या ज़्यादा रेट पे ना कर पाए. डिस्क्रिमिनेशन के तो ऑब्वियसली आप आर्टिकल 25 का टचस्टोन तो हमेशा अपनी जगह रहता है, बट टैक्सेस में ये साबित करना जैसे अलाई कॉटन वाले केस में बहुत मुश्किल पड़ा था और कोर्ट ने बात नहीं मानी और वहाँ पे भी उनको ये पावर दे दी कि आप वाइट क्लास. जैसे इम्पोर्टर्स ने कहा कि जी कमर्शियल क्यों और हमें क्यों हिट किया गया है, इंडस्ट्रियल को क्यों नहीं किया गया. तो इवन इस क्लासिफिकेशन को भी नहीं उन्होंने माना और कहा नहीं ये भी एक गुड क्लासिफिकेशन है.
अगर आप गुड्स सिर्फ बेचने के लिए मंगवा रहे हैं या अपने इस्तेमाल के लिए तो लेदर टैक्सेशन हो सकती है. सो वाइड कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी ऑफ टैक्सेस को देखते हैं, बेसिक प्रिंसिपल से निकल कर बड़ा सब्जेक्ट है, मगर मैंने दो चीज़ें सिर्फ इसमें हाईलाइट करने की कोशिश की आपके लिए. एक तो ये कि वो हमेशा आर्टिकल 77 और आर्टिकल 162 से बाहर नहीं जाना चाहिए. एक ये तो कॉम्पिटेंस ऑफ लेजिस्लेशन का इशू है, और उसके साथ रिलेटेड आर्टिकल भी आप देख लेंगे तो 142 है, फिर हमारे पास लेजिस्लेटिव लिस्ट है. तो हर और दूसरा टचस्टोन ऑफ बेसिक फंडामेंटल राइट्स तो हमेशा ही रहता है, कोई लॉ भी उसको जैसे ही बाईपास करता है तो वो तो चाहे वो स्टैट्यूट लॉ हो या कोई हो. जी जी वैसे तो ये तय बात है साइट वाले केस में कि डबल टैक्सेशन इज प्रीरोगेटिव ऑफ द पार्लियामेंट एंड एक्स्ट्रा टेरिटोरियलिटी का कॉन्सेप्ट भी आर्टिकल 141 में है. बट जैसे मैंने आपको बताया कि मिटिगेट करने के लिए वो आपको जो टैक्स क्रेडिट है वो यहाँ मिल जाता है. बट ऑब्वियसली कोई मुल्क भी अपने सोर्स को जस्ट वो जहाँ सोर्स होता है वो सोर्स बेसिस पे टैक्स करता है कि यू आर अर्निंग इनकम फ्रॉम पाकिस्तान, और जहाँ उसकी रेजिडेंस होता है वो कहते हैं कि मैं आपकी टोटल वर्ल्ड इनकम पे टैक्स. इसीलिए अमीर लोग कई दफ़ा ऐसी ऐसी जगहों के पासपोर्ट हासिल करते हैं जहाँ के रेजिडेंट होकर वो फिर बहुत सी इनकम अवॉइड करते हैं, और वहाँ टैक्स लॉयर्स मिलियंस की फीसें बनाते हैं. मैं भी आपको 25-30 ऐसी ज्यूरिस्डिक्शन बता सकता हूँ, मगर वो फिर जब हम रात को बेकर एंड वैकेंसी के साथ मिलकर टैक्स मॉडल्स बनाते हैं तो कंपनियों की ज्यूरिस्डिक्शन कहाँ रखेंगे. इसीलिए तो मल्टी नेशनल्स के अंदर सबसे बड़ा इशू यही होता है कि वो रॉ मटेरियल पनामा से लें, मैन्युफैक्चरिंग पाकिस्तान में करें, एक्सपोर्ट. तो ये एक टैक्स के अंदर बहुत हाई स्किल वर्क है जिसकी वजह से टैक्स लॉयर्स ऑल ओवर द वर्ल्ड आर कंसिडर्ड टू बी अर्निंग द बेस्ट, क्योंकि वहाँ आप बिलियंस का टैक्स अवॉइड कर रहे होते हैं. बट लीगली यू कैन डू दैट. सो हमें टैक्स ट्रीटीज़ के अंदर जिसे एक टर्म कहते हैं टैक्स ट्रीटी शॉपिंग करते हैं कि कैसी ट्रीटी यूज़ करें और कहाँ जाके कंपनी बना लें जिसकी वजह से बाकी चार जगह पे टैक्स ना दें या बहुत लो रेट पे टैक्स दें. तो उसके लिए फिर किसी दिन टैक्स प्लानिंग मॉडल्स पे भी लेक्चर कर सकते हैं अगर कोई ज़्यादा इंटरेस्टेड हो. अगर यूजुअली ये पूरी वर्ल्ड में समझा जाता है कि आप जो भी रेजिडेंट है उसकी टोटल वर्ल्ड इनकम को टैक्स करने का राइट उसी स्टेट के बाद, इसी को एक्स्ट्रा टेरिटोरियलिटी ऑफ लॉज कहते हैं, जो इन इट सेल्फ इंटरनेशनल टैक्स लॉ का नहीं बल्कि इंटरनेशनल लॉ का भी एक बड़ा संजीदा मौजू है कि व्हाट इज़ एक्स्ट्रा टेरिटोरियलिटी ऑफ लॉज. वाइड डिस्क्रिप्शंस का प्रिंसिपल इनकम टैक्स में और सेल टैक्स में बहुत ज़्यादा है. अब इसको कैसे हल किया जाए वहाँ तो वो पकड़ कर आपकी इनकम को कई गुना कर देते हैं हर चीज़ को. बहुत हाई हैंडेडनेस बहुत होती है टैक्स ऑफिसर्स के हाथ में, तो ये एक बड़ा प्रिंसिपल के उनके पास. तो उस पर उसको अगर वाइडेस्ट डिस्क्रिप्शन भी हो तो कोर्ट्स ने कहा है कि उसको स्ट्रक्चर करना ज़रूरी है, और जब तक कि वो हमें कोई जस्टिफाई ना करें कि उन्होंने ये ऑर्डर क्यों किया है. और जब से अब सेक्शन 24 ए जनरल क्लॉजेज एक्ट आ गया है तो एक स्पीकिंग एंड कम्प्रीहेंसिव ऑर्डर पास नहीं करें तो फिर आपके लिए रेट का अच्छा मौजू है. यूजुअली वो नहीं करते बिकॉज मैं भी काफ़ी साल उस तरह बैठा, तो एक जितनी पावर किसी के पास होती है उसको अब्यूज़ करने का भी, और एब्सोल्यूट पावर को एक वो SHO से लेकर एक टैक्सेशन ऑफिसर तक एक जैसा इंसान का माइंड सेट होता है. सिंस आई एंजॉय एब्सोल्यूट पावर आई कैन अब्यूज़ इट एब्सोल्यूटली. तो डिस्क्रिशन टैक्स लॉज के अंदर एक बहुत डिफ़िकल्ट मसला है. इसको आपके लिए अच्छा होता है कि आप उसको देखें और वो करें. थ्योरी ऑफ रीडिंग डाउन शायद आपको यहाँ सामने नज़र आ रही है जहाँ वो अच्छा बताओ. यानी ये आमतौर पे तब अप्लाई की जाती है फिस्कल लॉज में जब कोई प्रोविजन बज़ाहिर अनकॉन्स्टिट्यूशनल नज़र आ रही हो, मगर कोर्ट्स कहती हैं कि अगर हम इसको रीड डाउन कर दें और
वो इस तरह से इम्प्लीमेंट हो जाए तो इट कैन बी सेफ. पाकिस्तान में इसकी दो एग्जांपल्स मिलती हैं. एक तो लाही कॉटन वाले केस में बज़ाहिर कुछ प्रोविजंस कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक नहीं थी, तो उन्होंने उसको रीड डाउन किया और टैक्स डिपार्टमेंट ने मान लिया कि अगर हम यानी टर्नओवर टैक्स था, जैसे टर्नओवर के ऊपर टैक्स लगाया तो उन्होंने कहा जी टर्नओवर में तो सेल टैक्स भी शामिल होता है, उसमें तो एक्साइज ड्यूटी भी, तो आप क्या टैक्स के ऊपर टैक्स लेना चाहते हैं हमसे. तो वो रीड डाउन कर दिया कि दरअसल टर्नओवर का यहाँ, और रेडीली स्टेट ने भी एडमिट कर लिया, तो वो प्रोविजन भी सेव हुई और हार्मनाइज कर ली गई. रिसेंटली लाहौर हाई कोर्ट ने भी जब बहुत से CNGs वालों के ऊपर, CNG के ऊपर जो टैक्स कटता था वही फुल एंड फाइनल था, साथ इलेक्ट्रिसिटी पे भी टैक्स कट रहा था, तो उन्होंने कहा भी इलेक्ट्रिसिटी वाला टैक्स फिर क्या होगा उसका, उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल करा दें जो वो आप एट सोर्स लेते हैं. तो उसको फिर यू रीड डाउन किया कि अगर ये नहीं लिया जा सकता, बट हो सकता है वो कोई और काम भी कर रहा हो उसी इलेक्ट्रिसिटी से, जैसे बीच में टायर शॉप होती है अभी, तो वो फिर उसको साबित कर दें कि आई हैव नो कनेक्शन, आई हैव अ डिफरेंट इलेक्ट्रिसिटी मीटर फॉर दैट, सो नो टैक्सेशन एज फार एज दैट CNG इज कंसर्न, बट वेयर दैट इज़ कम्बाइंड देन ही हैज़ टू ब्रिंग कंसम्पशन सर्टिफिकेट टू दैट एक्सटेंट फ्रॉम द कमिश्नर. पिथ एंड सब्सटेंस का जो टेस्ट है दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. इसको हमने शुरू में टच किया था कि आप नाम से नहीं बता सकते कि वट काइंड ऑफ टैक्स इट इज़, इट हैज़ टू बी सी वट द सब्सटेंस ऑफ द टैक्स इज. फॉर एग्जाम्पल इफ PRA हैज़ इम्पोज टैक्स ऑन सर्टन सर्विसज बट दैट इज़ नॉट अ सर्विस. For example, toll manufacturing is not a service at all. They have recently said it's a matter of contention between Federal Board of Revenue and provincial taxation authorities now, that they say that this is services, but Federal Board of Revenue says it's manufacturing. So manufacturing cannot be recharacterized as service. All this at all manufacturing mean I am giving you my raw material and you are producing something for me. So it is a production related activity or a service oriented. They say the toll manufacturing consideration is service. So restaurant, for example, they sell food. So food is after processing, and it's, is it a supply of goods or it's a service? Again, a contentious issue. So this matter of pith and substance test is very important to understand what tax actually is, and then accordingly its constitutionality will determine whether it is rightly imposed or not imposed. Lekin sir, agar ke usko kehte hain regardless of whether it is a good or a service, टैक्स तो दोनों इंस्टेंसेस के अंदर कर सकते हैं, तो व्हाट डिफरेंस डज इट मेक? वो दैट बिकम्स इंपॉर्टेंट बिकॉज अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन इफ इट इज टैक्स ऑन गुड्स दैट ओनली फेडरल गवर्नमेंट कैन कलेक्ट इट, बट इफ इट्स अ टैक्स ऑन सर्विस ओनली प्रोविंस कैन कलेक्ट इट. उसकी वजह से बिकॉज हमारी कॉन्स्टिट्यूशन स्कीम ऐसी हैं. फॉर एग्जाम्पल हमने एग्रीकल्चर पर टैक्स लगाने का अख्तियार सूबों को दिया हुआ है, बट सेल टैक्स हमारे यहाँ गुड्स का फेडरल गवर्नमेंट के पास है और सर्विसेज का हमारे यहाँ. ये डाइकोटमी किसी और फेडरेशन में नहीं है. यूजुअली 1935 का जो इंडियन एक्ट था उसमें सूबे लगाते थे सेल टैक्स बियॉन्ड गुड्स. ये पाकिस्तान इज़ दी ओनली एग्जांपल के जहाँ हमने ये उसे छीन लिया सूबों से और फिर कभी उनको वापस नहीं किया. ये कह के लिया था ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने कि अभी पाकिस्तान के पास पैसे नहीं है फेडरल गवर्नमेंट के, तो वापस कर दिया जाएगा. बट लकीली कि फेडरल गवर्नमेंट के किसी सूबे ने भी ये क्वेश्चन कभी नहीं 18th अमेंडमेंट में भी नहीं उठाया, किसी NFC पे भी उठाया कि अगर गुड्स एंड सर्विसेज एक सूबा के पैदा कर रहा है तो टैक्स लेने के लिए वो कैसे चले आ रहे. सो हमारी फेडरेशन में काफ़ी डिस्टॉर्शंस हैं, कैनेडा में भी, अमेरिका में भी और इंडिया, तीन बड़ी भी ले लें तो तीनों में सेल टैक्स और गुड्स सूबे ही लगाते और इनकम टैक्स रिगार्डलेस के उसका क्या सोर्स है वो वहाँ फेडरेशन सब्जेक्ट होता है. हमने उल्टा किया हुआ वहाँ पे भी एग्रीकल्चर की बीच में से एक निकाल कर तो वो भी उसको कर लिया. बट से पाकिस्तान इज स्ट्रेंज केस, बट इट इज़ डिफरेंट केस. सो वी हैव टू सी वट एवर द कॉन्स्टिट्यूशनल स्कीम इज़ फॉर द मोमेंट. वो तो फिर एक बड़ी डिबेट है कि उसको कब हल किया जाएगा. और दूसरी जो डिविएशन कॉन्स्टिट्यूशनल टेस्ट की पिथ एंड सब्सटेंस के बाद हो रही है, वो वही वहीं से अराइज होती है, लाई कॉटन मिल्स एंड अदर्स फेडरेशन का जो केस है.
कि जिसके अंदर उन्होंने एंट्री 52 को कह करके, चूँकि इनकम के अलावा वो आपसे इन लियो ऑफ इनकम भी टैक्स ले सकते हैं, यानी कि अगर वो आप क्लासिकल टर्म में इनकम नहीं है तो आपकी टोटल वैल्यू ऑफ इम्पोर्ट्स को उन्होंने आपके इन लियो टैक्स ले लिया, कॉन्ट्रैक्ट्स पे ले लिया। अब जो इस जजमेंट की वायलेशन हो रही है वो ये हो रही है कि डिपार्टमेंट हैज़ स्टार्टेड, आई मीन डिपार्टमेंट ही करता है वैसे तो, नाम तो वो नेशनल असेंबली का होता है, लेकिन हमें पता है कि टैक्स लॉ सारा बनाकर फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू से आता है, वो पढ़ते भी नहीं हैं और शायद पढ़ने की वो कहते हैं हमें अहलियत भी नहीं रखते, पर कोशिश भी नहीं करते कि चलो किसी लॉयर्स को बुला लिया करें हेयरिंग में, जब स्पेशल कमेटी मीटिंग हो वो आके बता दें उनको कि इनमें कॉन्स्टिट्यूशनल इशूज़ क्या। अब वो ये कर रहे हैं कि इन लियू का मतलब ये है कि आप इन एडिशन नहीं लगा सकते और दोनों मेथड्स इकट्ठे नहीं इस्तेमाल कर सकते। अब वो ये कर रहे हैं कि कह रहे हैं कि आपका अगर 10% टैक्स कटेगा सर्विस पे, जैसे हम लॉयर्स हैं सारे, ये तो आपका इल्यू हो गया, लेकिन अगर आपकी इनकम में 10% से ज़्यादा हुआ तो फिर आप वो देंगे। सो दिस इज़ वॉयलेशन, जिस पे हम सारे एडिट कर सकते हैं, क्योंकि अभी तो मुझे नहीं पता कि इससे क्या, इससे हमें नुकसान ये हो रहा है कि हम अगर अपनी पूरी टर्नओवर का 10% टैक्स दे दें और फिर ये प्रॉफिट बेस भी दें तो ये इन लियू भी हो गया और इन एडिशन भी हो गया। तो दिस इज़ पेटेंट वायलेशन ऑफ आर्टिकल जो 47 और 52 की एंट्री जो फेडरल लेजिस्लेटिव लिस्ट के पार्ट वन में थी, जो उसकी इंटरप्रटेशन हमारी पैक्स कोर्ट ने की, उसको भी वायलेशन हो रही है। सो इन कमिंग डेज, अभी कुछ लोगों ने तो इस पर रिट कर दिया कंपनीज ने, बट मे बी के हम लोग भी किसी स्टेज पर इसमें पार्टी बने और उन्हें कहें कि आप या तो इन लियू लीजिए या फिर आप जो है वो क्लासिकल सेंस में इनकम पर ही टैक्स लगाइए। तो दिस इज़ व्हाट इज़ हैपनिंग दिस डेज। ये हारमोनियस कंस्ट्रक्शन का प्रिंसिपल भी इनकम टैक्स में और सेल टैक्स में और कस्टम में, इसके अलावा फेडरल एक्साइज में जो हमारे यहाँ चार लॉ हैं, बहुत इम्पॉर्टेंट समझा जाता है, बिकॉज एक सेक्शन अनलेस के वो सेल्फ कंटेन ना हो आप उसके ऊपर कंस्ट्रक्शन नहीं बेस कर सकते। यू हैव टू रीड द लॉ एज ए होल एंड देन यू हैव टू सी दैट दैट पर्टिकुलर सेक्शन मीन्स टू से। फॉर एग्जांपल अगर एक सेक्शन में इनकम टैक्स के लिखा हुआ है कि कमिश्नर कैन रिवाइज एन ऑर्डर, देन यू विल हैव टू सी कि कौन सा ऑर्डर वो रिवाइज कर सकता है, अपना ही पास किया हुआ ऑर्डर या किसी और का पास किया हुआ ऑर्डर। सो मैं एक सेक्शन को पढ़कर जो 122(5)(a) है इनकम टैक्स में, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी 44 सेल टैक्स में, आप ये नतीजा नहीं निकाल सकते अनलेस कि आपको पूरी स्कीम ना पता हो। सो टैक्स लॉज में सबसे पहले पढ़ने का जो मसला है वो है कि आपको पूरी स्कीम ऑफ दी कोड जो है वो आपकी नज़र में होनी चाहिए, ओनली देन यू कैन गो फॉर दैट। मिसाल के तौर पर इनकम टैक्स में पर्सन टाइम का बहुत गहरा रिलेशन है, क्योंकि वो ट्रांजैक्शनल टैक्स नहीं है अनलाइक सिविल टैक्स, पूरी एक साल का टैक्स ईयर का आपको पता होना चाहिए सिर्फ, उसका एक टाइम फ्रेम है, फिर उसके अंदर एक पर्सन, जब तक पर्सन की इनकम ना, आप खाली इनकम इन वैक्यूम नहीं टैक्स कर सकते हैं। सो हार्मोनाइजेशन करने के लिए, उसकी स्कीम को समझने के लिए ज़रूरी है कि आपको उसके बेसिक पैरामीटर्स पता हों कि कोई एक टाइम फ्रेम होगा, किसका क्या सा टाइम टैक्स ईयर होगा, ये भी ज़रूरी नहीं सबका जुलाई से जून हो, सो उस टैक्स ईयर के अंदर वो जो इनकम अर्न करता है और उसके ऊपर फिर एक ख़ास टैक्स रेट उस साल का अप्लाई होगा। फिर प्लेस का बहुत बड़ा इशू है कि प्लेस कौन सी होगी, मिसाल के तौर पर पाकिस्तान का जो ऐसा लीगल फिक्शन क्रिएट किया जाएगा कि जहाँ वो इनकम पाकिस्तानी सोर्स से नज़र आए, अगरचे वो पाकिस्तानी सोर्स से बज़ाहिर ना, क्योंकि जो लीगल फिक्शन के इशूज़ हैं वो टैक्स लॉ में बहुत इंपॉर्टेंट हैं। एक सेक्शन मिसाल के तौर पर ये कहता है कि पाकिस्तान गवर्नमेंट अगर किसी को सैलरी दे तो वो चाहे फ्रांस में बैठा हो भी ले तो वो पाकिस्तानी सोर्स इनकम होगी। अब इसमें एक डॉक्ट्राइन ऑफ नेक्सस है, वो डॉक्ट्राइन ऑफ नेक्सस ये है कि पाकिस्तानी गवर्नमेंट के मुलाजम वाशिंगटन में भी सफ़ीर होगा, कहीं ना कहीं काम कर रहा होगा, सो इफ़ इज़ एन अप्लाई ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान देन हिज इनकम वेयर एवर ही मे रिसीव इज़ ए पाकिस्तानी सोर्स इनकम। इसका एक रिवर्स है, अगर कोई आदमी फ्रांस की किसी कंपनी का मुलाजम हो मगर वो पाकिस्तानी में इनकम अर्न कर रहा हो, तो यहाँ लीगल फिक्शन ये क्रिएट किया है कि एनी इनकम विच इज़ एनी सैलरी विच इज़ अर्न इन पाकिस्तान से पाकिस्तानी सोर्स इनकम।
no matter wherever it is paid. So legal fiction खुद tax law में एक बहुत ही इंतहाई दिलचस्प subject है कि आप place का fiction create करेंगे, आप person का fiction create करेंगे, आप income का fiction create करेंगे. मिसाल के तौर पे income का fiction बड़ा ही interesting होता है कि आप को प्रोविडेंट फंड मिल रहा है, अभी आप जब रिटायर हो, जो उसकी एक शर्त है जब आपको एक खास स्टेज पे मिलेगा, मगर टैक्स लॉ उसको डीम कर लेता है कि अगर आपको 10% से ज़्यादा मिलेगा तो उसी साल आपकी सैलरी हो जाएगी. कभी कभी मैं अपने स्टूडेंट से पूछता होता कि ये कौन सा फिक्शन है, टाइम का फिक्शन है, पर्सन का फिक्शन है, या तो वो बड़ी डिबेट से, तो ये इटसेल्फ टाइम का फिक्शन है, असल में इनकम का कोई फिक्शन इसमें इन्वॉल्व नहीं है. इनकम तो वो है, टैक्स कर रहे हैं इसको, मगर ये टाइम का फिक्शन है कि आपको जो चीज़ 20 साल बाद मिलनी थी उसका एक पोर्शन उन्होंने अभी आपको डीम कर लिया कि इस साल आपकी इनकम. सो वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट्स इन ऑल द फिजिकल स्टैट्यूट. व्हाट इज फिक्शन ऑफ लॉ? सो फिक्शन ऑफ लॉ इज अनदर प्रिंसिपल ऑफ इंटरप्रिटेशन वेयर वन हैज़ टू बी वेरी केयरफुल कि व्हाट इज फिक्शन एंड हाउ फिक्शन इज क्रिएटेड, व्हाई फिक्शन इज देयर, व्हाट इज द रैशनल ऑफ द फिक्शन. And fiction has to be construed very strictly, only for the purpose the legislature has created fiction. You cannot create your own fiction, because if that is the case, then officer will start creating on fictions and will bring you in the tax net unnecessarily. So rules of interpretation about fiction of law in tax statutes are strict, that फिक्शन शुड बी रेड ओनली फॉर द पर्पज द फिक्शन इज क्रिएटेड. अब यहाँ दूसरा सवाल आपके लिए रखूँगा, पहले भी शायद एक रखा. डॉक्टर साहब, आगे मूव करने से पहले कैसेस और मिसेस जरा प्लीज़ बता दीजिए. वो पीछे जनाब जी, वो क्या है और इसके साथ ही एक और भी जनाब से सवाल करूँगा कि यहाँ पे जनाब ने लिखा हुआ है प्रिंसिपल ऑफ स्ट्रिक्ट कंस्ट्रक्शन. ठीक है, आपने स्ट्रिक्टली पढ़ना है, फिजिकल स्टैट्यूट है आपसे कर रहे हैं. पिछली स्लाइड के अंदर आपने बीच में कहा है कि रीडिंग डाउन भी हो सकती है वहाँ पे, तो आर दीज नॉट टू कॉन्ट्रडिक्टरी और खासतौर पे हारमोनियस कंस्ट्रक्शन? एक तरफ आप स्ट्रिक्ट कंस्ट्रक्शन की बात कर रहे हैं, साथ ही आप प्रिंसिपल ले आते हैं हारमोनियस कंस्ट्रक्शन का. हाउ डू यू रिकनसाइल द टू? जो बात रीडिंग डाउन की हुई थी वो तो इसे कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल है, उसका स्टैट्यूट के पढ़ने से, उसकी लैंग्वेज से तो नहीं है. वो तो ये है कि जहाँ कहीं कोई कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी का इशू खड़ा हो जाए तो कोर्ट्स के पास दो चॉइस, या तो वो उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर देंगे या रीड डाउन करेंगे. जहाँ तक हारमोनियस कंस्ट्रक्शन का, वहाँ भी रहेगा तो प्रिंसिपल ऑफ स्ट्रिक्ट कंस्ट्रक्शन ही, मगर स्कीम के बाहर जाकर किसी एक प्रोविजन को नहीं. आप हारमोनियस का यहाँ टैक्स के अंदर कॉन्सेप्ट ये है कि यू हैव टू सी व्हाट इज़ द इंटायर स्कीम ऑफ द टैक्स कोड. एक प्रोविजन को आप उठाकर किसी लाइबिलिटी के लिए, किसी कंसेशन के लिए, किसी के लिए यूजली, अनलेस ऑफ कोर्स दैट प्रोविजन इन इटसेल्फ इज सेल्फ कंटेंड. अब जैसे कोई खास प्रोविजंस है वो शुरू यहाँ से होती हैं, विद नॉटविस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेंड इन दिस एंटायर ऑर्डिनेंस, क्योंकि ये हैं भी बड़ी मुसीबत से, दोनों ही हमेशा ही ऑर्डिनेंस रहे. हमारी लेजिस्लेचर को ये भी ख्याल ही आया कि चलिए अब जो डिक्टेटर्स ने लॉ बनाए थे किसी वक्त एक्ट ही बना दें उनको, क्योंकि 1922 का जो एक्ट था जो अंग्रेज छोड़ कर गए उसको 1979 में ऑर्डिनेंस से रिप्लेस किया ज़ियाउल हक साहब ने, फिर वो आकर मुशर्रफ साहब ने 2000 का. अब बीच में देखिए पार्लियामेंट्स आई हैं, मगर किसी को ये, और इसके बारे में सख्त स्ट्रिक्चर भी अली लीली वाले केस में सुप्रीम कोर्ट ने पास किया है कि ये क्या आपको ख्याल नहीं है कि आप क्या हरकतें कर रहे हैं, कि किसी जो आपके टैक्सेशन बड़ी बुनियादी चीज़ होती है इसको बैठकर आप दोबारा देख लेते हैं, और जैसे इसको दोबारा चले भले वही आप रख लेते उसमें थोड़ी सी चेंजेस ना भी करते उसका नाम तो एक्ट करते, बट अनफॉर्चुनेटली दोनों चले आ रहे हैं. जैसे जो कॉसेस मॉसेस का इशू, उसका प्रॉब्लम यह है कि अगर मैंने ये शुरू में चूँकि कह दिया था तो मैं इसको दोबारा इसलिए इस पर नहीं आया था कि ये मसला ये होता है कि अगर आप स्टैट्यूट के विद इन फोर कॉर्नर्स आ रहे हैं तो ठीक है, नहीं आ रहे तो कोर्ट कोई डेफिनेट कोई इन्फ्रेंस ड्रॉ नहीं करेगी, भले आप स्केप कर जाए, इट्स नॉट फॉर द कोर्ट टू कम एंड हाँ. ये ज़रूर है कि जहाँ लैंग्वेज स्ट्रिक्ट ऐसी है कि उससे अब्सर्डिटी हो रही है तो फिर वो हार्मनाइज ज़रूर कर सकते हैं, बट दे कैन नॉट ब्रिंग समबॉडी इन द लेटर ऑफ लॉ फोर्सफुली कि वो नहीं भी आ रहा. तो इसके बारे में यानी कोर्ट्स के हैंड्स भी टाइड हैं कि वो हमारे फिजिकल लॉ के अंदर किसी को क्लियर नेसेसिटी से या इस चीज़ों का बहाना बना के नहीं ला सकते. इसमें बहुत स्ट्रिक्ट इंटरप्रिटेशन इन्वॉल्व होती है, इसलिए वो जो प्रिंसिपल ऑफ स्ट्रिक्ट इंटरप्रिटेशन है और स्ट्रिक्ट कंस्ट्रक्शन है वो हमेशा उसका बेसिक ही रहेंगे टैक्स का,
सवाए इसके कि एक प्रोविजन में से दो मीनिंग्स निकल रहे हैं, तो देन प्रिंसिपल ऑफ इंटरप्रिटेशन ये है कि वन फेवरिंग दी टैक्स पेयर विल बी फॉलोड, अगर लैंग्वेज एम्बिगुअस है। इसकी कोई साइटेशन और मिसाल इसके तौर पे जो है वो आगे हमने इलाही क्वार्टर में भी उन्होंने किया जहाँ दो प्रिंसिपल्स थे, फिर इसके अलावा मेहरान वाले केस में इस प्रिंसिपल को जो सिंध वाला केस है उसकी साइटेशन भी आगे आ जाएगी, उसमें उन्होंने इसको कहा है कि जहाँ लैंग्वेज एम्बिगुअस है और एक से ज़्यादा मीनिंग निकल रहे हैं तो फिर वन फेवरिंग द टैक्स पेयर विल बी टेकन अप नॉट द स्टेट, क्योंकि ये मैंने जैसे कहा कि टैक्स एक डिस्ट्रक्टिव पावर, सो बड़ी इसको स्ट्रिक्टली कंस्ट्रक्ट करना चाहिए। फरमाइए। जी यहाँ तो यह है कि इसे पाकिस्तानी सोर्स इनकम हो जाएगी, आपको यहाँ टैक्स पे करना है तो टैक्स क्रेडिट आपको जो मिलेगा वो तो यहाँ जो इनकम पे पाकिस्तान तो आपसे टैक्स लेंगे अपनी इनकम का, वो फ्रेंच कंपनी उसका टैक्स काट के पाकिस्तान में तो नहीं जमा करवाएगी, वो तो पाकिस्तानी लॉ में नहीं आते, वो ऐसी सिचुएशन में जो बाहर लोग काम कर रहे होते हैं यहीं लाइजा ही ऑफिस उनका टैक्स काटते हैं, वहाँ नहीं टैक्स काटते। ज़कात तो वॉलंटेरली है पाकिस्तान में आलमोस्ट, अब आप एक वो हलफनामा सब भेज देते हैं कि मैं नहीं देना चाहता, पहले तो खैर वो मसलक की बुनियाद पे था, उसको भी रिलैक्स कर दिया, सारे लोग झूठ बोलते थे तो उन्होंने कहा यार ये क्या काम पे पाकिस्तानी को लगा दिया, अब तो वो कहते हैं बस वैसे ही आप लिख कर दे दें कि जी मैं नहीं पे करना चाहता, वो है भी किसी सवाए बैंक पर ही है, इन दी इस्लामिक जुरिसप्रूडेंस के हिसाब से तो यहाँ ज़कात नहीं लगी हुई ना, वो भी ज़ाहिर लग साहब ने जो तोहफ़ा दिया हुआ ज़कात का वो भी मन मर्जी का ही है ना, कि जो ले ले तो ले ले, तो इनकम टैक्स में उसके लिए जगह क्रिएट की हुई है ना, अगर आप ज़कात पेश कर दें तो आपकी इनकम में से माइनस कर देंगे, तो अच्छा आप आपके पास ऑल्टरनेट है, अगर आप सारे ज़कात दे दें इनकम में जो भी देंगे वो आपकी इनकम से माइनस हो जाएगा, बाकी पे टैक्स दे देंगे, है नहीं हाँ भाई मुझे अंदाज़ा नहीं कोई मेल प्रैक्टिस हो रही हो, बट मैं तो मैंने देखा नहीं कभी कि वहाँ पे ना मिला हो, जो जिसने भी वॉलंटेरली पे किया, ये सरकारी ज़कात की बात करें ना, सरकारी ज़कात तो वहाँ पे सेक्शन 60A लिखा हुआ है उसमें से इनकम में से माइनस हो जाती है, स्टेट डिडक्शन हो जाती है आपकी इनकम में से, बट आई एम नॉट श्योर कि वो लोग कितना दे रहे हैं और वो कैसे बड़ी बड़ी कंपनीज का कटता है या लोग भी, और वो प्रोविंशियल भी है और फेडरल भी, हमारे यहाँ इतना वो फिस्कल लॉस के बारे में भी जिसमें इस्लामी टैक्स भी लगाए हुए हैं, गैर इस्लामी टैक्स भी जिनको वो गैर इस्लामी कहते हैं, कंपनी ज़कात देती है कंपनियों में तो सहमत, लेकिन हमारे बैंक ऑफ पंजाब को भी लगा दिया था लिटिगेशन करते करते सुप्रीम कोर्ट से जाके सर, इट्स नॉट अ पर्सन राइट, देख लगाने वाले में क्या रिलीजन, कंपनी का रिलीजन नहीं होता, हाँ जी फिर भी लगा दिया उन्होंने, कहा जी आप भी साहिब निसाब है, पता नहीं कहाँ तक झगड़ा चला, सुप्रीम कोर्ट तक मामला गया जी, नहीं वो कह रहे कंपनी के एसेट्स पे भी लगा दिया, हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल, हमें तो कोई इतराज़ नहीं, अगर वो लग जाए और ये सारे मिट हो जाए तो अच्छी बात है, कंप्लेन हो जाए तो हमें कोई इशू नहीं, हमें कोई अंग्रेज़ों का टैक्स देने का शौक नहीं है, लेकिन चूंकि है इस वक्त तो मजबूरी है कुछ उसको एक्सप्लेन कर रहे हैं। अच्छा जी, अवॉइडेंस ऑफ टैक्स जो है वो उसके बारे में अभी एक हमारे प्रिंसिपल्स में ये है कि अगर ये लीगली है तो फिर जायज़ है, और सुप्रीम कोर्ट ने जाफी वाले केस में कि उसका जिक्र ये प्रिंसिपल में आपको मिल जाएगा अवॉइडेंस ऑफ टैक्स के नीचे, मैंने फिर ज़्यादा साइटेशंस यहाँ नहीं डाली थी कि तकरीबन ये किताब सारी साइटेशन से भरी, तो आपसे जनरल प्रिंसिपल डिस्कस कर लूँ, तो अवॉइडेंस ऑफ टैक्स पे अब दुनिया में तो बड़ा इसके ऊपर एक कंसेंसस डेवलप हुआ है कि नहीं लीगल अवॉइडेंस भी नहीं कर सकते आप, इसलिए गूगल वगैरह सबको नोटिस मिले हैं कि लो में नहीं जा सकते, जब से यूरोप में मेल्ट डाउन हुआ था तो उन्होंने देखा कि कॉरपोरेशन बड़ी बड़ी टैक्सेस बचाती हैं, बट इवन देन द डिबेट इज़ गोइंग ऑन कि अगर आपके लॉज में लूप होल हैं आप लीगली कर रहे हैं, सो लॉन्ग ये रहेगा इशू, बट अब इसके पाकिस्तानी लॉ में स्कीम ऑफ टैक्स अवॉइडेंस इज़ ऑल्सो कंसिडर्ड एज नॉट परमिसिबल नए लॉ में,
बट टैक्स वालों की अभी इतनी कैपेसिटी नहीं है कि वो टैक्स अवॉइडेंस स्कीम्स को डेसीफर भी कर सकें. सो जहाँ इस मुल्क में वैसे ज़्यादा टैक्स इवेजन भी है, सो लोग सिरे से देते नहीं, तो वो कहते हैं स्कीम बनाने की क्या ज़रूरत है. वो हर 4-5 साल बाद एक एमनेस्टी तो आ ही जाएगी, तो ज़्यादा ट्रेडिंग क्लास का पता ही होता. फिर एक और भी आपके पास वेपन है कि आप बाहर से रिमिटेंस मंगवा लें, तो उस पर कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाता. तो ज़्यादातर लोग जिन्होंने टैक्स बचाना होता है वो ये हरकतें करते रहते. फिर रह जाते हैं बस कुछ कॉरपोरेट वर्ल्ड के लोग जो नहीं बचा सकते मजबूरी से. कुछ कॉरपोरेट गवर्नेंस के इशू हैं, बैंक्स हैं, ऑयल एंड गैस कंपनीज हैं, पेट्रोलियम हैं, वो देती रहती बेचारे टैक्स. 89% टैक्स तो उन्हीं से ही आता है, बाकी 11% इज़ द रेस्ट ऑफ द जो सेक्टर्स हैं और लोग हैं. सो वर्ड्स टू बी टेकन इन राइटफुल एंड लॉफुल सेंस, इस पर हम बात कर चुके हैं कि ये रूल ऑफ बोलना पाटम बड़ा ज़रूरी है. एक्सेप्शंस टू स्टिक रूल है मशीनरी प्रोविजंस में. कोर्ट्स कहती हैं कि चूँकि मशीनरी प्रोविजंस के अंदर प्रोसीजर्स के इशू होते हैं, तो वो स्टिक कंस्ट्रक्शन. मशीनरी प्रोविजन क्या चीज़ होती है जी? इसको मैं एक टैक्स लॉस में दो ब्रॉडरी प्रॉब्लम्स हैं. एक तो चार्जिंग प्रोविजंस हैं जो चार्ज क्रिएट करती हैं, और दूसरी मशीन. जैसे मिसाल के तौर पर चार्ज ये है कि वो कहते हैं जी आपकी जो प्रोफेशनल इनकम है ये बिज़नेस इनकम कंसिडर की जाएगी, आपको लेजिटिमेट एक्सपेंसेस देने के बाद जो भी होली है एक्सक्लूसिवली हैं फिर आपसे टैक्स लिया जाएगा. अब ये तो चार्ज है. मशीनरी ये है कि आपको अपनी रिटर्न कैसे बनानी है, आपके कौन से कागज़ साथ देने हैं. अब ये प्रोसीजर कभी उसमें इतनी स्ट्रिक्ट इंटरप्रिटेशन की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि हो सकता है कि कभी लैंग्वेज में थोड़ी बहुत उनसे गलती रह गई हो, तो आपके जी मैं तो रिटर्न ही नहीं देता, क्योंकि वहाँ वर्ड जो था वो लिखा हुआ था कि रिटर्न्स या रिटर्न, तो रिटर्न्स नहीं था तो मैं एक ही रिटर्न दूंगा. समथिंग जैसे हम स्ट्रिक्ट इंटरप्रिटेशन चार्जेबिलिटी में, तो अगर एक भी वर्ड अमिट हो गया तो आप कह सकते हैं कि जी आई एम नॉट चार्जेबल, आप पहले चार्ज क्रिएट करें फिर मैं आऊँगा, बट नॉट इन द केस ऑफ मशीनरी पर भी. फिर कभी कभी हमारी कोर्ट्स ने अप्रोच भी इख्तियार की है स्ट्रिक्ट इंटरप्रिटेशन को, जी मैं वो बताने लगे. वो मिसाल के तौर पर पर्पज़ उनका था कि वो इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर एडवांस टैक्स लेते. अब एक बंदे ने जाकर कहा जी कि मेरा तो एडवांस टैक्स ही नहीं बनता, मैं तो एग्जाम्पल मिसाल के तौर पे वो सिर्फ एग्रीकल्चरिस्ट है मगर उसने कमर्शियल इलेक्ट्रिसिटी तो उसने भी लगवाया हुआ है, अब उसका टैक्स कट रहा है. तो हमारी कोर्ट्स ने बजाय ये कहते कि भाई जो कुछ चार्जेबल नहीं है उसका टैक्स भी एडवांस में ना लिया जाए, इन केसेस में पर्पज़ अप्रोच का सहारा लेकर कहा कि नहीं जी आप रिटर्न देकर रिफंड ले लें. सो बहुत सी हार्डशिप जो हमारे यहाँ पैदा हुई है वो इसलिए है कि दे आर 58 विद होल्डिंग प्रोविजंस. खाम खाम उन लोगों का भी टैक्स ले लिया जाता है जो टैक्स के जिनको टैक्स पे चार्जेबल ही नहीं है. सो कुछ लिहाज से ये हमारे टैक्स में अंदर एक बहुत बड़ा फ्लॉ है कि बजाय एक आदमी अपनी जब टैक्स रिटर्न फाइल करे जो भी उसमें उसकी टैक्स लाइबिलिटी हो रिटर्न के साथ पे कर दे, रियासत ने ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ये महसूस किया कि चूँकि लोग रिटर्न नहीं देते तो इनसे सोर्स पे टैक्स ले लिया जाए. और उसके लिए मैंने बताया कि 58 डिफरेंट सोर्सेज हैं. अब उसमें बहुत नुकसान भी हो जाता है, एक बेवा है उस पर टैक्स नहीं लगता और वो गई उसके ऊपर उन्होंने टैक्स काट के रख लिया, अब वो सिर्फ वो टैक्स वापस करने के लिए रिटर्न फाइल करे. हमारे सबके जो मोबाइल बिल्स के ऊपर 14% इनकम टैक्स कट जाता है, अब वो 14% इनकम टैक्स उन बच्चों के भी कट जिनको खुद पेरेंट्स ने मोबाइल लेकर दिए हुए हैं, या ऐसे लोग भी हैं जैसे आपके डोमेस्टिक घर में जो मैनेजर्स हैं काम कर रहे हैं, और बहुत से क्लास लेबरर क्लास भी है, छोटे बेचने वाले भी हैं. अब वो बेचारे पहले रिटर्न फाइल करके वो 14% रिट्रीव करें, अब उसकी कॉस्ट शायद उनका 500 टैक्स कट गया, और वो रिटर्न फाइल करें फिर FBR से टैक्स मांगे तो मेरे ख्याल में 10,000 का खर्चा ही आ जाए. तो ऑब्वियस बात है कि वो तो इस तरह से थोड़ी सी कोर्ट्स के यहाँ इनसेंसिटिविटी बहुत रही है पाकिस्तान में टैक्स को समझने में. तो हमारे जजेस ने बहुत इसमें डिविएशन की और कहा कि नहीं नहीं ये तो जी कोई नहीं एडवांस टैक्स ही है ना. इसमें एस्बेस्टस वाला केस खास तौर पे और सीमेंट वाला इस किताब में आपको मिलेगा, जहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि नहीं नहीं ये कोई हार्डशिप नहीं है, और वर्ल्ड कॉल वाले केस में भी कह दिया कि अगर वो रियासत आपसे कुछ पैसे ले लेती है तो आप रिटर्न फाइल करके वापस लें, विच इज़ हर क्विलियन टास्क है. FBR से पैसे लेना तो बाहर कैफ बहुत मुश्किल काम है. हाँ, जहाँ लीडिंग टू अपसर्डिटी हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, वहाँ पे स्ट्रिक्ट रूल को आप रिलैक्स कर सकते हैं. रेमेडियल स्टैट्यूट्स में उन्होंने इसको स्ट्रिक्ट रूल को किया है, और उसको कई दफ़ा रेट्रोस्पेक्टिवली भी अप्लाई किया है,
उसकी की है और बेनिफिशियल प्रोविजंस को, ये कुछ एक्सेप्शंस हैं जहाँ रेमेडियल स्टैट्यूट्स क्या होते हैं सारे की अगर जी रेमेडियल स्टैट्यूट जी हैं, मिसाल के तौर पे उन्होंने कहा कि लीज एंड बाई बैक के ऊपर टैक्स लगा दिया एक ज़माने में, हालांकि वो कोई सप्लाई ऑफ गुड्स नहीं होता, मिसाल के तौर पे मेरा अपना ही एसेट है, बैंक ने कहा मैं ये आपको वापस लीज पे दे देता हूँ, तो उन्होंने कहा जी ये तो सप्लाई ऑफ गुड्स है, और उन दिनों सप्लाई ऑफ गुड्स के ऊपर उन दिनों से लेके आज तक 91 जैसे मैंने बताया से उस साल से लेकर आज तक ये जो सप्लाई ऑफ गुड्स है ये प्रिजम्प्टिव टैक्सेशन है, यानी अगर आप सप्लाई ऑफ गुड्स करते हैं तो जो टैक्स आपका कटेगा वो फुल एंड फाइनल हो जाएगा, भले आपको नुकसान हो चाहे आपकी इनकम ना भी हो, जहाँ आपने कोई सप्लाई ऑफ गुड्स की तो ये उसकी जिम्मेदारी है कि वो आपको जब पेमेंट करे तो आपका टैक्स विद होल्ड कर ले पेमेंट में से, और वो आपको वापस भी नहीं मिलेगा, भले उसके अलावा आप मोबाइल पर भी दे रहे हैं, आप बिजली पे भी दे, तो रियासत ने आहिस्ता आहिस्ता सब लोगों का ये, इसको एक्सटॉर्शन भी कह सकते हैं, इसको तो मैं टैक्स नहीं कहता, सो इन ए वे FBR एक बहुत बड़ा एक्सटॉर्शनिस्ट अदारा भी है, मगर लकीली लोगों ने उनके एक्सटॉर्शनिस्ट होने के ये जो मैं चीज़ें बता रहा हूँ ज़्यादा एक्सपोज नहीं किया, हम तो खैर लिखते रहते हैं, मगर ये बहुत ज़्यादा की मिसाल के तौर पे मैं अगर सप्लायर ऑफ गुड्स जो मेरा काम है कि मैं मंगवाता हूँ और बेच देता हूँ, तो फिर कई और मल्टीपल इनकम टैक्सेस जो मैं पे करता हूँ वो भी नहीं मुझे वापस मिलेंगे, क्योंकि वो कहते हैं जी जो आपकी इनकम तक का तो एक ही सोर्स था दैट वॉज सप्लाई ऑफ गुड्स, तो जितने भी टैक्सेज आपके कटे हमने ये अज्यूम कर लिया कि वो सारे के सारे यहाँ कॉन्फार हो गए which can be a huge amount. For example, I have 5 kids, everybody is using mobile. मेरा commercial meter पर भी tax जो है advance में आ रहा है, क्योंकि मुझे तो जो भी distribution company होगी उसमें मेरी use के हिसाब से वो भी ले लेगी income tax भी. So income tax अब काफ़ी पाकिस्तान में एक extortionist किस्म का tax बन गया है, because of its nature has changed, और उन्होंने इसको इसमें कर लिया है. जी ये सारे वो इश्यूज हैं जिसमें मतलब पार्लियामेंट्री डिबेट के अंदर वो बताते हैं जी हम टैक्सेस पर एक्सटर्नल एड्स हैं, हाँ ये एक्सटर्नल एड्स हैं, मिसाल के तौर पर अगर आपको किसी चीज़ को इंटरप्रेट करना है तो हम कोर्ट में जाकर पार्लियामेंट्री डिबेट्स को पेश करेंगे जी वहाँ ये इस पर्पज़ के लिए टैक्स लगा था, रिपोर्ट्स ऑफ सेलेक्ट पेटी होती हैं, स्टेटमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट्स उस लॉ को अपने बनाने में, एक्सप्लेनेटरी नोट्स होते हैं, लेजिस्लेटिव हिस्ट्री है, स्टेटमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट्स कहाँ से मिलेगा सर? स्टेट ऑफ ऑब्जेक्ट्स उसके एंड पे लिखा होता है फिनेंस बिल के, अगर बिल आप बिल के एंड के ऊपर उन्होंने बताया होता है कि ये प्रोविजन मैं इसलिए डाल रहा हूँ, बड़ी डिटेल से फिनेंस बिल के अंदर ये डिटेल आपको मिल जाती हैं, उसकी प्रोविजन की अपनी एक लेजिस्लेटिव हिस्ट्री है, कुछ उसका कंटेम्प्रेरी एक्सपोजिशन भी है कि ये कैसे समझा जाता रहा है लॉ, और जुडिशियल डिसीजन तो ऑलरेडी फैक्टर है, नहीं साथ भी बिल के होते हैं, बाद में भी सर्कुलर भी आ जाते हैं एक्सप्लेन करने के लिए कि हमारे लॉ ये इसलिए बनाया था, कोई सवाल पूछ लेता है तो FBR एक इंस्ट्रक्शन इशू कर देते हैं वगैरह वगैरह, कि जी ये हमारा मकसद है, कोई लोग पूछ लेते हैं जी ये मैं इसमें फॉल करूंगा नहीं करूंगा, तो वो सारी चीज़ें डाल लेते हैं, लेकिन आप खुद ही एक्सप्लेनेशन डाल के अंदर उसके अंदर आप अपने अपना स्कोप इंक्रीज कर सकते हैं जी, मैं इसी एक्सरसाइज होती रही जी, पहले हम एक्सटर्नल एड्स देख रहे हैं क्या, फिर इनके इंपैक्ट क्या होगा वो भी मैं डिस्कस कर दूंगा, बट एक्सप्लेनेटरी नोट्स आर सपोज टू कम फ्रॉम द पार्लियामेंट और फ्रॉम द डिपार्टमेंट, वो तो बिल तो पार्लियामेंट ही पास करती है, तो समझा तो यही जाएगा कि उन्होंने ही अडॉप्ट किए तो उनके लिए एक्सप्लेनेटरी नोट हो गए, फिर एक्स इन पेरी मटीरिया हैं, और कंस्ट्रक्शन बाई एग्जेक्टिव जैसे मैंने कहा वो भी सर्कुलर्स इशू करके इन सब के ऊपर बस एक लाइन के अंदर कोर्ट्स अक्सर यूजुअली डिसमिस कर देती हैं कि आप एक्स्ट्रा बर्डन नहीं डाल सकते एक्सटर्नल एड की वजह से किसी सिटीज़न के ऊपर, जो लेटर ऑफ लॉ है उसी को फॉलो करना पड़ेगा, जिसको हमने बार बार स्ट्रिक्ट इंटरप्रिटेशन कहा, और अगर इन सब के ज़रिए कोई रिलैक्सेशन हो जाए तो दैट इज़ वेलकम, तो इसका प्रिंसिपल ऑफ इंटरप्रिटेशन क्लियर है, नहीं मैं यही बता रहा हूँ ना कि इनके ज़रिए अगर आपको कोई लेटर ऑफ लॉ में ही आ पाएंगे, इन चीज़ों की हैसियत कोर्ट में जो है नहीं होगी, लेकिन अगर उसकी वजह से आपके लिए कोई रिलैक्सेशन क्रिएट हो जाए तो दैट इज़ वेलकम, देन कोर्ट कैन नॉट से कि जी सॉरी हम इन चीज़ों एक्सटर्नल, इसलिए एक्सटर्नल एड्स की अहमियत इसलिए है कि दे कैन नॉट इंक्रीज your tax burden, but they can give you tax relaxation. So maybe एक hardship create हो जाती है किसी provision में
और अथॉरिटी चाहती है कि मैं इसको कम करूं, तो आपके लिए ये बेनिफिशियल हो सकता है कि आप जाकर एक्सटर्नल एड्स को अपने हक में पेश कर सकते हैं कि जी मैं रिलैक्सेशन के पर्पज़ के लिए कर रहा हूँ। हाँ, अगर वो आप पे लेटर ऑफ लॉ से ज़्यादा बर्डन इम्पोज करें तो दैट इज़ नॉट बाइंडिंग ऑन यू। इसके लिए सेक्शन 214 भी उन्होंने डाला है इनकम टैक्स ने लॉ में कि ये जो हमारे सर्कुलर्स, हमारे नोटिफिकेशंस और हमारी एक्सप्लेनेशंस होंगी ये टैक्स पेयर्स पे बाइंडिंग नहीं होगी, ना ही एप्लेट अथॉरिटीज पे। वो तो कहते ना भी लिखते तो कौन सी बाइंडिंग हो जाती थी, लेकिन ये साथ लिख दिया है कि ये ऑफिसर्स पे बाइंडिंग होगी। सो अगर ऑफिसर्स कहें कि नहीं जी मैं तो सर्कुलर को नहीं मानता, इसके ज़रिए आपको कुछ रिलैक्सेशन मिल रही है, तो उसको स्टैचुटरी लॉ भी मना करता है कि आपको तो हर हालत में वो मानना है। इसी तरह इंटरनल एड्स में उसी लॉ का अपना प्रीएम्बल होता है, उसके मार्जिनल नोट्स हैं, उसकी इंटरप्रेटिव क्लॉसेज हैं, जैसे कभी एक्सप्लेनेशन डाल दी, अदर रेलेवेंट प्रोविजंस हैं कि हमने उस लॉ को किसी और प्रोविजन में जाके एक्सप्लेन कर दिया है, कॉन्टेक्स्ट उसका है। फिर जूजम जनरल आप उसको उस कॉन्सेप्ट में पढ़ते हैं, सोलिसिस में आप जाकर देखते हैं। मतलब उसको ये है कि अगर आपको उसका एक वर्ड यूज हुआ है अरेस्ट, और उस अरेस्ट के वर्ड को आपने उसके कॉन्टेक्स्ट में चार जगह वो यूज हुआ है, तो आप देख लेंगे कि उसका कॉन्टेक्स्ट उसमें क्या है, कि वो अरेस्ट से मुराद क्या ली जा रही है टैक्स लॉ के अंदर, कि ये रूल्स के अंदर आपने ये फॉर्मेलिटी पूरी करके एक लॉ पढ़, तो ही कैन अरेस्ट। आप वहाँ नहीं रुक जाएंगे बल्कि ये देखेंगे कि अरेस्ट से रिलेटेड जो उसका कॉन्टेक्स्ट है उसके अंदर आपने एक रकम पे नहीं की, आप केस हार गए, फाइनलिटी इख्तियार कर गया, उसने आपको फाइनल नोटिस दिया, फिर आपको वो लोकल थाने के ज़रिए नोटिस भिजवा के अरेस्ट करता है, खुद जाता है, तो उसको मैं एक पूरे कॉन्टेक्स्ट के अंदर आप वर्ड को देखते हैं। इसी तरह से इसके और प्रिंसिपल्स के अंदर कि रिडंडेंसी आपको अवॉइड करनी है, कि ये जी लॉ मेडिकल में, सो यूजुअली फिर वहाँ हार्मोनाइज किया जाता है कि आप अगर बर्डन भी आ रहा है तो आप उसको, इसीलिए एक्सटर्नल एड फिर काम आती है कि वो आप जाकर एफबीआर से कहते हैं कि जी इसको कोर्ट ऑर्डर कर देती है कि जी आप इसको इस अंदाज में इंटरप्रेट कर लें, जैसे हमने पहले डिस्कस किया था। मतलब ये इसमें ये बेसिक कॉन्सेप्ट, इसके अंदर आपको इसका वो पूरा हवाला भी मिलेगा। किताब पे तो ना रखे रहे, नहीं नहीं, मैं उसको डिटेल में पढ़ने के लिए मैं यहाँ भी एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि यूजली उन्होंने कहा कि जी यहाँ एक चीज़ ओमिट हो गई है, तो ओमिशन जो है लॉ के अंदर इसको आप फिल कर दीजिए। जैसे हमारे कोर्ट्स में होता है कि आप किसी और जनरल लॉ में गए और आपने देखा कि कमीशन इज़ देयर, एंड देन कोर्ट सप्लाई टू दी डेफिशिएंसी टू मेक दी लॉ वर्केबल। यहाँ मना किया गया है कि नहीं जी टैक्स लॉ में आपने डेफिशिएंसी को कोर्ट्स ना हाथ लगाए। कैसे सुमेसस और ये एक ही चीज़? जी जी हाँ, ऑलमोस्ट। तो उन्होंने कहा कि जी ये काम कोर्ट्स का नहीं है, कि आप यू आर नॉट अ टैक्स कलेक्टिंग एजेंसी, क्योंकि ये बेसिकली इज यू आर आस्किंग समबॉडी टू गिव यू टू पार्ट अवे विद मनी, स्टेट ये आपसे कर रही है ना, तो पार्टिंग अवे ऑफ मनी के लिए जो स्ट्रिक्टली आप डेफिशिएंसीज कई हो सकती हैं उस लॉ में, लेट दी डेफिशिएंसीज बी देयर इवन इफ यू पॉइंट आउट, लेट दी लेजिस्लेचर डिसाइड दे वांट टू रिमूव और दैट, लेकिन कोर्ट्स खुद ना डेफिशिएंसीज सप्लाई करनी शुरू कर दें। वैसे एक केस में चौधरी फसाद साहब ने कोशिश की थी और वो एलएलएलबी में उन्होंने खुद ही डेफिशिएंसी प्रोवाइड कर दी और कहा कि ये काम आप कर लें तो बड़ा अच्छा है। वो मेरे हिसाब से तो उनको नहीं करना चाहिए था, उसके बाद डिपार्टमेंट ने, क्योंकि वो ये था कि ओल्ड लॉ के अंदर एक अथॉरिटी के पास पावर थी कि अगर नीचे वाला ऑफिसर एक ऐसा अरोनियस ऑर्डर कर दे जो प्रेजुडिशियल टू द इंटरेस्ट ऑफ रेवेन्यू भी हो, तो वो ओल्ड लॉ के तहत होना चाहिए था। उन्होंने ये नए लॉ में इसको कवर करना भूल गए। सो लोगों ने इतराज़ किया कि जी चूँकि ओल्ड लॉ के अंदर इसकी पावर थी, आप वो पुराने सेक्शन के तहत नोटिस दें, नए सेक्शन का नोटिस नहीं दे सकते आप, क्योंकि जाहिर है कि नए लॉ के अंदर तो ये कवर नहीं है। तो उन्होंने उसको रेट्रोस्पेक्टिवली कवर करने की कोशिश की और इसके ऊपर तो कोर्ट ने कहा कि नहीं, ये उस डेट से ये चूँकि चार्जिंग प्रोविजन है, इट कैन नॉट बी रेट्रोस्पेक्टिव। और लेकिन साथ ये लिख दिया कि आप 66 का पुराना नोटिस दे लीजिए उन सालों में जहाँ जो कि लॉ में नहीं लिखा हुआ था, तो ही प्रोवाइडेड डेफिशिएंसी ऑफ द लॉ। सो ये था तो हमारे फिस्कल लॉ का, बट सुप्रीम कोर्ट को आप मना नहीं कर सकते, वो कुछ भी कर सकते हैं और अक्सर कर देते हैं।
तो एक और जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि इवन जब आप अपने स्टॉक एंड ट्रेड नहीं बेचते वो भी सेल टैक्स एक्टिविटी है, जो कि हमने जो स्टूडेंट ऑफ लॉ थे पहली दफ़ा ये बात पढ़ी कि अगर एक लॉयर अपनी कुर्सी मेज भी बेच दे तो वो सेल टैक्स में रजिस्टर होगा। एक दुनिया में कोई बात दुख की हमने तो नहीं पढ़ी थी, यानी उन्होंने प्रोवाइड कर दिया, लेकिन वो फिर हमने उनको फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू को कहकर उसको ठीक करा लिया कि इट इज़ ओनली योर इकोनॉमिक एक्टिविटी एंड सेल ऑफ जो आपके स्टॉक एंड ट्रेड होते हैं वो सेल टैक्स का सब्जेक्ट मैटर है। सो कभी कभी कोर्ट की गलतियों को फिर FDR से करेक्ट कराना पड़ता है, वरना वो जजमेंट रह जाती तो सबके लिए मुसीबत था। वो इंटेंशन भी नहीं थी कभी लेजिस्लेशन की, कंडेम्प्ट हुई नहीं, कंडेम्प्ट लॉ ही बदल गया तो फिर किस चीज़ का, जब लॉ बदल गया तो वो केस भी टू दी ओनली फॉर दैट पीरियड। सो ये मैं आपसे अर्ज कर चुका हूँ, जहाँ टू पॉसिबल व्यूज हों वहाँ पे वन फेवरिंग दी टैक्स पेयर विल बी, और कंस्ट्रक्शन लीडिंग टू टू मैसिव अवेजन ऑफ टैक्सेस भी उन्होंने कहा अवॉइड करें इस तरह की चीज़ों को। सो एक बैलेंस बीच में कहीं ना कहीं, पेनल्टी प्रोविजन स्ट्रिक्टली कंस्ट्रू होती हैं, क्यूरेटिव जो हैं ये आप इसको लिबरली कंस्ट्रू करते हैं, डिस्क्रिशनरी पावर मैं अर्ज कर चुका हूँ शुड बी वेरी स्ट्रिक्टली। और एवेजन और एवेजन और अवॉइडेंस की लाइन कहाँ पे ड्रॉ करते हैं, बिकॉज ये तो फिर जज की आंख में ही हुआ ना जी, कंस्ट्रक्शन लीडिंग टू मैसिव एवेजन ऑफ टैक्सेस, अवॉइडेंस हो रही है कि एवेजन हो रही है, वो कैसे? वो मैसिव एवेजन से मुराद ये है कि अगर वो जैसे आपने खुद ही पॉइंट आउट किया कि अगर तो इससे लॉफुल स्कीम ऑफ थिंग्स के तहत उन्होंने किया, किसी लॉ की वायलेशन नहीं हो रही तो फिर तो ठीक है, बट If there is a complete negation of the law, for example, he's saying के जी ये आपको रखनी थी receipt या नहीं भी रखनी थी receipt, but आपको अपनी sales की तो verification करवानी है, तो एक massive काम शुरू हो जाए कि जी हमें तो law ने चूँकि bind नहीं किया था कि जी आप receipt रखें। सो ना भी receipt करने से एक general principle तो है कि जेट आप अपने declared version के हक में कि मेरी इतनी sale है, onus is on you to prove, जैसे रेस्टोरेंट्स वाले हैं वो आपसे 16% लेके जेब में डाल रहा हो, जाते चले जा रहे हों, सेलें उनकी मिलियंस में हैं, इससे कॉमन नॉलेज है, बट वो कहे जी चूँकि मुझे तो इस तरह का, मैं तो नो अकाउंट केस हूँ जी, मैं क्या साबित करूँ, तो इस तरह की चीज़ों के बारे में कोर्ट देन कम टू दी रिलीफ कि जी नहीं इस तरह नहीं, आप बताएँ कि आप उसकी कोरिलेशन बताएँ, आपका इतना बड़ा है, आप कितनी मेज़ें हैं, ये हैं, और टू दैट एक्सटेंट उसको नहीं आप खींच सकते कि बिल्कुल ही वो स्ट्रिक्ट पे जाए, कभी कभी ऐसी चीज़ें, लेकिन मेनली एस्केप कर जाए, अगर एक रेस्टोरेंट पे टैक्स ही नहीं लगा तो वो वाली डेफिशिएंसी नहीं प्रोवाइड कर सकते। okay, जी इसके बारे में हम मैंडेटरी प्रोविजन डायरेक्टरी का मैंडेटरी का यूजुअली उन प्रोविजंस के बारे में जिसका कोई कॉन्सिक्वेंस ना दिया हो, मिसाल के तौर पर ये लिख दिया जाए कि 6 महीने के अंदर जो है वो फैसला कर देगा ट्राइब्यूनल, बट ये ना बताया हो कि अगर वो नहीं करेगा तो फिर आपकी अपील अलाउ हो जाएगी, तो या ये कि आप विदहोल्ड करेंगे टैक्स और बस यहाँ रुक जाए लॉ, और ये ना बताए कि अगर आप विदहोल्ड नहीं करेंगे तो फिर आपको इतना एडिशनल टैक्स भी देना पड़ेगा, तो ये यूजुअली डायरेक्टरी नेचर की होती हैं, और जहाँ उसके कॉन्सिक्वेंस के नतीजे में कोई एक्शन भी प्रोवाइड कर दिया हो, जैसे इनकम टैक्स लॉ में एक ज़माने में था, शायद अब भी है, कि अगर आप रेक्टिफिकेशन की एप्लीकेशन फाइल करते हैं और वो इतने पीरियड में नहीं करता तो वो इट शैल डीम टू हैव बीन रेक्टिफाइड। सो यहाँ ये डायरेक्टरी नेचर की नहीं रही, मैंडेटरी हो गई, अगर ऑफिसर उसको पास नहीं करता विद इन दैट 4 ईयर्स पीरियड टाइम तो फिर आपको पास रेमेडी भी स्टैट्यूट ने प्रोवाइड कर दी, सो वो मैंडेटरी प्रोविजन बन गई कि फिर आपको वो रिलीफ जो आपने सीख की थी वो मिल भी जाएगी। चार्जिंग एंड एग्जाम्पलिंग प्रोविजन के बारे में मैं राय दे चुका हूँ आपको कि वो स्ट्रिक्टली कॉन्स्टिट्यूट होंगी, और एग्जम्पशन वाली भी प्रोविजन जो है वो भी स्ट्रिक्टली यू शुड फॉलो इन दी एग्जम्पशन क्लॉज बाई इंफ्लुएंस, वो भी आप नहीं ले सकते। एग्जाम्पटिंग वाली वाइडली नहीं होगी, नहीं वाइड, ये स्ट्रिक्ट फिस्कल लॉ में बिल्कुल उलट है कि आप यू मस्ट फुलफिल दी रिक्वायरमेंट ऑफ दैट एग्जम्पशन क्लॉज स्ट्रिक्टली, सिर्फ वहाँ रिलैक्सेशन की है जहाँ पे यूजली एग्जम्पशन क्लॉजेस बाई वे ऑफ आई रेट्रोस्पेक्टिवली कि आपने एक SRO पे हमें कर लिया
और बाद में एक ऐसा और रिलैक्सिंग आ गया, अब आपका टाइम फ्री आप कर चुके थे तो कोर्ट्स ने कहा भी इसको भी वही बेनिफिट दे दें जब उसी ट्रांजैक्शन का, बट अगर लेटर ऑफ लॉ एग्जम्पशन में आप फॉल नहीं करते तो फिर आप एग्जम्पशन भी नहीं ले सकते। नहीं, लेकिन अगर एक तरफ प्रिंसिपल अगर ये है कि इन केस ऑफ एम्बिग्युटी यू आर सपोज टू फेवर द इंटरप्रिटेशन व्हिच फेवर्स द टैक्स पेयर, जी जी, उसके साथ आप अंदर, और दूसरी तरफ ये प्रिंसिपल है कि एग्जेम्पशन क्लॉजेस के अंदर आप नैरोली देखेंगे, स्ट्रिक्टली देखेंगे कि हम उसके एम्बिग्युटी, अगर एग्जेम्पशन क्लॉज में कोई एम्बिग्युटी नहीं है तो फिर तो आपको स्ट्रिक्टली आपको साबित करना है कि आई फॉल इन एग्जेम्पशन क्लॉज, लेकिन अगर एग्जेम्पशन क्लॉज खुद भी एम्बिग्युस है तो ऑन फिर तो मैं एक जनरल प्रिंसिपल अप्लाई होगा वेयर टू इंटरप्रिटेशंस आर पॉसिबल, चाहे चार्जिंग की हों या एग्जम्पशन की हों, देन बेनिफिट विल गो टू द टैक्स पेयर, लेकिन स्ट्रिक्ट में नहीं जाएगा। एस आर ओ सर्कुलर और सर्कुलर लेटर्स और डायरेक्शंस के बारे में यूजुअली यही है कि वो आप पे तो बाइंडिंग नहीं है अगर वो आपका बर्डन बढ़ा रहे हैं, और अगर वो लॉ से इन कॉन्फ्लिक्ट हैं तो दे विल नॉट कम इन टू एक्शन, बट अगर वो कोई रिलैक्सेशन क्रिएट कर दें तो यू कैन टेक बेनिफिट ऑफ दैट। डिस्टिंक्शन क्या है जी SRO, सर्कुलर, सर्कुलर्स, लेटर्स एंड जी SRO तो स्टैट्यूटरी रेगुलेटरी ऑर्डर है जिसके बारे में खुद लॉ में लिखा होता है कि बाय डेलीगेशन दे कैन डू इट। फॉर एग्जांपल अगर उनको रूल मेकिंग पावर में थ्रू स्टैट्यूटरी रेगुलेटरी और रूल बनाने की इजाज़त है, हमारे यहाँ तो खैर टैक्स लगाने का अख्तियार भी माशाल्लाह पार्लियामेंट ने SRO से डेलीगेट कर दिया हुआ, जो कि जिसपे हम खिलाफ बात भी करते रहते हैं कि नहीं वो तो लॉ के ही अगेंस्ट है, सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड के अगेंस्ट है, और वो उस केस में जो अभी हमने जिसका जिक्र किया कि वो जफर झगड़ा एंड जो न्याजी सब केस में उसको सुप्रीम कोर्ट ने मना भी कर दिया कि आपको नहीं करना चाहिए एक्सेसिव डेलीगेशन का जो वो पता नहीं एब्डिकेशन की हद तक वो तो हो जाती है, एक्सेसिव से भी ज़्यादा वो तो अपना टैक्स लगाने का अख्तियार एग्जीक्यूटिव को देना। और फिर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एक इशू ये भी है कि वेरियंस ऑफ रेट जो है उसका चूँकि डायरेक्ट इम्पैक्ट आता है प्रोविंसेस के ऊपर, तो अगर आप किसी ड्यूटी को ख़त्म करते हैं तो उसका एक सूबे के जो नेट प्रोसीड में से पैसे मिलने उस पर भी इम्पेक्ट आएगा। तो एक कॉन्स्टिट्यूशनल हमारे यहाँ इसका सेफ्टी वॉल रखा हुआ है आर्टिकल 162 में कि कोई ऐसा बिल जो वेरियंस करे रेट में या एग्रीकल्चर इनकम की डेफिनेशन को चेंज करे वो पार्लियामेंट में टेबल ही नहीं हो सकता विदाउट द प्रायर अप्रूवल ऑफ प्रेजिडेंट। बट मेरा नहीं ख्याल कि 73 से किसी ने इसकी तरफ तवज्जो भी की हो या इसको देखा भी हो कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल कमांड है, इसके बावजूद वो किए चले जाते हैं। सो वो खुद भी नहीं कर सकते, जो काम डायरेक्टली नहीं कर सकते वो इनडायरेक्टली आगे डेलीगेशन की हुई है कि वो SRO के ज़रिए वेरिएशन ऑफ रेट्स खुद करते रहे। सो ये बड़ा सीरियस मैटर है। सर्कुलर्स वो हैं जो अंडर द लॉ लिखा हुआ है, जैसे कि वो सर्कुलर इशू करते हैं वो इज़ फॉर जर्नल पब्लिक, और सर्कुलर लेटर्स जैसे मैंने कोई ख़ास चीज़ पूछी तो वो उन्होंने दे दी फिर वो पब्लिक भी कर दी। और डायरेक्शंस यूजुअली ऑफिसर्स पूछते हैं कि जी इस केस के बारे में आज हमें जर्नलिस्ट सेक्टर है या कोई ख़ास इशू है इसके बारे में, या आप कोई सवाल पूछते हैं दी नेचर ऑफ, तो यूजुअली तो डायरेक्शंस वो अपने ऑफिसर्स को देते हैं, आपको क्लैरिफिकेशन इन दी फॉर्म ऑफ सर्कुलर लेटर्स देंगे और उनको डायरेक्शंस दे देते हैं। सो ये इनमें जो फ़र्क आपने फरमाया था मैंने कहा इसमें। अब डेफिनेशन वो कैसे, ये तो बहुत सी डेफिनेशन क्लॉजेज ऐसी हैं जो एक्सक्लूसिव नेचर की हैं, एग्जॉस्टिव हैं, तो उनके तो वही मीनिंग लिए जाएंगे जो वहाँ पे, मिसाल के तौर पे एक वर्ड है कंपनी, अगर उसको एक्सक्लूसिवली डिफाइन कर दिया या टर्नओवर है तो वो फिर वही मीनिंग लिए जाएंगे। जो इंक्लूसिव डेफिनेशन में आम तौर पर जनरल जो मीनिंग होते हैं वर्ड के वो तो रहते ही हैं और कुछ वो उसमें ऐड भी कर देते हैं, मिसाल के तौर पर डिविडेंड है। अब डिविडेंड जो कंपनी लॉ में डिविडेंड समझा जाता है उसको तो वो लेना ही चाहते हैं, आगे लिख देते हैं डिविडेंड इंक्लूड्स, तो बहुत सी सिचुएशंस क्रिएट कर देंगे कि कंपनी लिक्विडेशन हो तो अप टू द पॉइंट ऑफ लिक्विडेशन जितना क्यूमुलेटेड प्रॉफिट है ये भी डिविडेंड समझा जाएगा अगर इसकी डिस्ट्रीब्यूशन होती है। तो फिर 10-12 ऐसी चीज़ें डाल देंगे ये लेजिस्लेचर में, आमतौर पर टैक्स कोर्ट्स में ये इशूज़ हैं कि वहाँ पर इंक्लूसिव डेफिनेशंस के अंदर बहुत सी ऐसी चीज़ें भी इंक्लूड कर लेते हैं यूजली जो उस वर्ड के मीनिंग में नहीं होती, सो टू बाई एक्सटेंडिंग द मीनिंग ऑफ दैट। और जर्नल वर्ड्स जो हैं इसके बारे में रूल्स ऑफ इंटरप्रिटेशन वही हैं कि फिर या तो डिक्शनरी मीनिंग लिख जाएंगे अगर जर्नल क्लॉज एक्ट में वो डिफाइन नहीं है, तो चूँकि ये जो फेडरल टैक्स लॉज हैं उसमें हमें जर्नल क्लॉज एक्ट में जाकर देख लेंगे, वहाँ भी ना हो तो फिर जो नॉर्मल डिक्शन और टेक्निकल वर्ड्स होंगे तो उनके
फिर टेक्निकल मीनिंग्स लिए जाएंगे या कोई बैंकिंग की टर्म यूज़ हो गई है तो फिर हमें उन्हीं लॉज में, जैसे माइनर का वर्ड यूज़ हो गया, अब माइनर जाहिर है कि हमारे लॉ जो है वो डिटरमिन करता है वो उसमें मेजर एंड माइनर, सिटीज़न का वर्ड यूज़ हो गया, सो हर वर्ड को आपको देखना पड़ेगा कि वो किसी स्टैट्यूट में डिफाइन है और वहाँ भी उसी सेंस में यूज़ हुआ है, या जनरली आपको डिक्शनरी मीनिंग लेने हैं या टेक्निकल वर्ड है तो टेक्निकल मीनिंग लेने हैं, यही चीज़ नीचे वो जनरल क्लॉज एक्ट से लेंगे, टेक्निकल लीगल वर्ड्स मैंने सारे एक्सप्लेन कर दिए, पॉपुलर सेंस में है या कमर्शियल सेंस में है, कंटेक्स्ट और इंटेंट क्या है उस वर्ड का जिसको वो डिफाइन कर रहा है, मतलब वो सेल कहता है इससे सेल अंडर द सेल टैक्स एक्ट कह रहा है वो, या ये नॉर्मल सेल का वर्ड है या सेल ऑफ गुड्स एक्ट का क्या तो उसको यूज़ कर रहा है, तो ये सारी चीज़ें आपको कॉन्टेक्स्ट से पता चलेंगी कि इनकम टैक्स में भी बाद का वर्ड्स ऐसे यूज़ होते हैं जो यूजली उस ट्रांजेक्शन को किसी लॉ को रेफर कर रहे होते हैं, सो यू हैव टू गो देयर एंड डिटरमिन द मीनिंग। स्केड्यूल्स जो उसमें हैं वो एज गुड पार्ट ऑफ द लॉ है एज अदर पार्ट ऑफ द लॉ है, आप ये नहीं कह सकते, बट यूजली सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि अगर स्केड्यूल में और मेन लॉ में कॉन्फ्लिक्ट हो तो देन मेन लॉ विल प्रिवेल, नॉट द स्केड्यूल विल प्रिवेल। रूल्स जो हैं वो वेन एवर इन कॉन्फ्लिक्ट विद द मेन प्रोविजन उसी को फॉलो करेंगे वो दे विल बी नॉट बाइंडिंग, अदरवाइज रूल्स आर एज गुड आपको फॉलो करने हैं जी। ये सारी चीज़ें जो थी जनरल एग्जम्पशंस और एग्जम्पशन टू बी, क्योंकि हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, स्टॉपल कोई नहीं है लॉ के अगेंस्ट, आप ये नहीं कह सकते कि एग्जम्पशंस बर्डन ऑफ प्रूफ का क्या मतलब, बर्डन ऑफ हु हैज टू शो कि जो कंजम्पशन जो एग्जम्पशन क्लेम कर रहा है, चार्ज का बर्डन चूँकि डिपार्टमेंट पे होगा वो आपको चार्ज में लाना चाह रहा है, एग्जम्पशन चूँकि आप क्लेम कर रहे हैं तो आप पे होगा, और मैंने जैसे इसमें आपसे आगे भी अर्ज किया कि एग्जम्पशन टू बी कंस्ट्रूड स्ट्रिक्टली, और कहाँ लिबरली कंस्ट्रूड होगी, जहाँ वो किसी इंडस्ट्रियल पॉलिसी को कर रही थी लेकिन उसे कोई वर्ड में कमी रह गई या एम्बिगुअस लॉ आ गया, एम्बिगुअस वर्ड यूज़ हो गए, वहाँ वो लिबरली सिर्फ कंस्ट्रूड होंगी, नॉट एवरीवेयर। स्टॉपल का प्रिंसिपल ये है कि अगर एक रॉन्ग प्रैक्टिस भी जारी बहुत अरसा रही और आप ये प्रोविजन नहीं ले सकते ना टैक्स वाले और ना ही टैक्स पेयर के जी चूँकि ये प्रैक्टिस बन गई थी, तो देर इज़ नो स्टॉपल अगेंस्ट लॉ, वो बाहर कैफ लॉ विल प्रिवेल। और रेट्रोस्पेक्टिविटी के बारे में टैक्स लॉ में तो क्लियर है कि इट इज़ द पावर ऑफ द लेजिस्लेचर टू प्रोवाइड एनी थिंग रेट्रोस्पेक्टिवली बट विद एक्सप्लिसिट वर्ड्स नॉट बाय इंटेंडमेंट, और एक्सप्लिसिट वर्ड से वो डिस्ट्रॉय करना चाहे आपका कोई पुराना राइट, कोई चार्ज भी रेट्रोस्पेक्टिवली लगाना चाहे तो लगा सकते हैं जी। मशीनरी प्रोविजंस हमने डिस्कस कर ली हैं, डिस्टिंक्शन बिटवीन मशीनरी एंड चार्जिंग भी हो गया, प्रोसीजरल प्रोविजंस भी यूजली मशीनरी की डेफिनेशन में आती हैं और रेट्रोस्पेक्टिव भी हो सकती हैं। लिमिटेशन जो है वो सिर्फ और सिर्फ मशीनरी प्रोविजंस के बारे में ही हो सकती है लिबरल इंटरप्रिटेशन, चार्जिंग के बारे में टैक्स लॉ मशीनरी और प्रोसीजरल प्रोविजंस एक ही चीज़ होती है ऑलमोस्ट, क्योंकि चार्ज के अंदर ये है कि हाउ टू कंप्यूट, ये एक तरह से मशीनरी है, प्रोसीजरल ये है कि रिटर्न की जो फॉर्मेट बनाया है, तो थोड़ा सा इसमें भी सटल सा फ़र्क है, ये दोनों को एक ही एक लेकिन पर यूजली जो मशीनरी प्रोविजंस है वो लेजिस्लेचर खुद प्रोवाइड कर देते हैं और जो प्रोसीजरल हैं वो रूल्स से एमिनेट करती हैं, ठीक, इसलिए ये भी डिस्टिंक्शन थोड़ी सी माइंड में रखनी चाहिए। रेट्रोस्पेक्टिविटी मैंने बता चुका हूँ कि वेस्टेड राइट आपका डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, बट इट इज़ ओनली द पावर ऑफ द लेजिस्लेशन। नहीं लेकिन जनरल लॉ में तो ये लिखा हुआ है कि आप के इसको कहते हैं प्रोसीजरल मैटर के अंदर आप रेट्रोस्पेक्टिव कर सकते हैं, यहाँ पे भी यही प्रिंसिपल है जी। यूजुअली मैंने जैसे क्योंकि वो पढ़े ऐसे जाते हैं कि जैसे कि प्रोसीजर नया अगर प्रोवाइड कर दिया लॉ ने, नया लॉ आ गया तो अपील का प्रोसीजर ऑटोमेटिकली नया हो जाएगा, नहीं भी बताया गया होगा नहीं अपील का राइट, अगर फॉर एग्जांपल आपसे टेक अवे कर रहे हैं वो नहीं कर सकते, नहीं वो प्रोसीजर का मैटर नहीं है वो, चूँकि वो फिर जी कई दफ़ा किया भी है, लेकिन राइट टू अपील जो है अगर एक दफ़ा आपको वेस्ट हो गया है तो डिस्ट्रॉय नहीं हो सकता अनलेस लेजिस्लेचर खुद कोई बहुत एक्सप्लिसिट प्रोविजन से डिस्ट्रॉय करना चाहे, वो प्रोसीजर का इशू नहीं है, वेस्टेड राइट का इशू है।
अब ये चूंकि कंप्लीट कोड है टैक्स लॉ तो शुड बी रेड एज ए होल, जो हमने अभी बात की थी कि आप पिक एंड चूज करके, कोई टैक्स वाला नहीं कह सकता कि मैंने एक प्रोविजन उठाई और आप पे सारी लाइबिलिटी लगा दी जब तक के उसके साथ रिलेटेड जो टैक्स डिडक्शंस हैं, अलाउंसेस हैं, वो भी कंसिडर ना किए जाएँ, तो इसको एज ए होल देखना पड़ता है। डबल टैक्सेशन प्रीरोगेटिव है अगेन लेजिस्लेचर का, मगर अगर एक्सप्लिसिट वर्ड्स के साथ लगाएं, लीगल फिक्शन हमने डिस्कस किया। डबल टैक्सेशन की कोई ममानियत नहीं, डबल जेपर्टी का तो मना किया हुआ। हाँ, बट डबल टैक्सेशन की कोई मैंने, उसी इनकम के ऊपर आपको इनकम टैक्स भी लग रहा होता है और सुपर टैक्स भी लग रहा होता है, सो कोई मना नहीं कर सकते हैं कि आपको अभी लगाया भी है इन्होंने, इसी फिनेंस एक्ट में लगाया भी है कुछ लोगों पर। लीगल फिक्शन हम डिस्कस किया कि वो खास स्ट्रिक्टली कॉन्स्ट्रू होगा किस पर्पस के लिए, खुद लेजिस्लेचर लीगल फिक्शन क्रिएट करे, जैसे हमने उसकी कुछ एग्जांपल्स भी, जैसे पाकिस्तानी कंपनी जिसको भी डिविडेंड देगी वो वेयर एवर इट इज़ पेड इट विल ऑलवेज बी पाकिस्तानी सोर्स इनकम, क्योंकि कंपनी इज़ पाकिस्तानी, सो अगर इसके शेयर अमेरिकन भी ले लें तो इट मेक्स नो डिफरेंस वैन एवर डिविडेंड इज़, वो चाहे पाकिस्तान का रेजिडेंट है या नहीं है। टेरिटोरियल नेक्सस हमने डिस्कस किया कि टेरिटोरियल नेक्सस से ही यूजली लीगल फिक्शंस को वो रेट कर लेते हैं, और रूल्स ऑफ इंटरप्रिटेशन ऑफ बाईलैटरल टैक्स एग्रीमेंट्स बड़ा इम्पॉर्टेंट है कि हमारे इस वक्त पाकिस्तान के 54 कंट्रीज़ के साथ टैक्स की जो हैं वो ट्रीटीज़ हैं, उनको समझे बगैर, क्योंकि उसका फ़ायदा ये होता है कि आप कुछ टैक्स प्लानिंग ऐसी कर सकते हैं, मिसाल के तौर पे हम मॉरिशियस में कंपनी बना लें और पाकिस्तान में 100% वो इन्वेस्टमेंट कर दे, तो इसके शेयर्स जब भी वो पाकिस्तान में आप बेचेंगे आपको पाकिस्तानी टैक्स नहीं लगा सकते, और मॉरिशियस में जो है वो उसके ऊपर टैक्स कोई नहीं है। दुबई के साथ हमने जैसे यूएई के साथ ट्रीटी कर रखी, अब यूएई में टैक्स है नहीं और वहाँ कंपनी बना के आप पाकिस्तानी टैक्स भी मिटिगेट कर सकते हैं। और इनके रूल्स ऑफ इंटरप्रिटेशन में बेसिक असूल ये है कि अगर आपको ट्रीटी में एडवांटेज हो रहा है तो आप जाएंगे, और अगर आपको डोमेस्टिक लॉ में एडवांटेज हो रहा है तो ट्रीटीज़ आर नॉट कैन बी इन्फोर्स्ड एज नेसेसरी चार्जिंग प्रोविजंस, बट दे कैन बी यूज्ड व्हेन यू आर रीपिंग सम बेनिफिट्स आउट ऑफ देम। डेलीगेशन ऑफ पावर और डिस्क्रिशन पे हम बात कर चुके हैं कि ये डेलीगेशन जो है वो दोनों ही स्ट्रक्चर्ड होनी चाहिए, ये बिल्कुल ही वो नहीं हो सकती। ये मैंने आपको शुरू में बता दिया था कि टैक्स लॉज को पढ़ते हुए थोड़ा सा ये ख्याल रखना पड़ता है कि इनके नॉर्म्स जो हैं ये इसलिए बड़े वोवन स्ट्रक्चर्स इनके अपने होते हैं, और नॉर्मल जनरल लॉज के नॉर्म्स से डिविएशंस इनमें अक्सर हो जाती हैं, और उन पर तवज्जो रखना ज़रूरी है। ये कुछ किताबें अगर आप, वो तो खैर आपको मुझसे ज़्यादा पता ही होंगी, तो नहीं सर आप बताइए, हमें कुछ नहीं पता। आप वो जो बड़ी स्टैचुटरी यूनियन पे जो हमारे यहाँ एच एम जफर साहब की किताब जनरली चीज़ों को कवर करती है, हमारी ख़ास तौर पे टैक्स लॉ को एंड पे दो करती है, ऊपर की तो खैर अब वो तो एक बाइबल की तरह है, जब भी आपको कोई चीज़ होती है आप मैक्सवेल का देख लेते हैं, आप कैरीज का, क्रॉफोर्ड का, ये तीन बड़ी दुनिया में मशहूर हैं। नीचे वाली किताब भी बहुत अच्छी है, मेरी फेवरेट है जी, हुज़ैमा एंड इक्राम्स प्रिंसिपल्स ऑफ टैक्स लॉ एंड ग्रॉस, ये है जी जी जी, हुज़ैमा ने इन्होंने खुद जी जी, हमारा अपना पब्लिशिंग हाउस भी है ना, ये है वो हमारे आपके लाइब्रेरी में भी इसकी है, पहले एक लाइट ब्लू कलर में हुआ करती थी, सादर प्लाजा के सेकंड फ्लोर पे है, आपने भी अलहदा कर ली, पहले वाली तो मोटी थी ज्यादा, हाँ ये इसके बाद ग्लॉसरी अलहदा कर दी, ग्लॉसरी अलहदा कर दी, डिक्शनरी अलहदा कर दी, वो भी है जी लाइब्रेरी में है, और दिस द मोस्ट यूजफुल बुक इन द सेंस कि ये जो सारे नुक्ते प्रिंसिपल्स बात की है, इन सारों की हर एक की जो अथॉरिटी है वो सारी की सारी यहाँ पे बीच में लिखी हुई है। और अब मैं सिर्फ जनाब की इजाज़त से इसमें ऐड करना चाहूँगा, इंदिरा की, इंडिया की अगर देखनी है तो बिंद्रा की एक्चुअली इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स इज प्रॉबली वेरी अपडेटेड, मैक्सवेल और ये क्रेज वगैरह थोड़ा सा अब हो गए हुए बाहर से, बेसिक प्रिंसिपल्स इनको बाइबल कंसिडर किया जाता है, मगर क्रॉफर्ड वगैरह इनकी इंग्लैंड और अमरीका की ज़्यादा आपको जजमेंट्स वगैरह मिलती हैं इसके अंदर। जी अगर आप पाकिस्तान में, मैंने कहा ना सोर्स, तो कोई कंट्री अपनी सोर्स की टैक्सेशन ही छोड़ती है, अगर आप यहाँ फी अर्न करेंगे तो ऑब्वियसली वो तो आपको पाकिस्तान में टैक्स करवानी, अगर आप पाकिस्तान में नहीं भी हैं तो पाकिस्तानी सोर्स इनकम पे तो आपको टैक्स देना ही देना है, तो उस वो तो उसको तो आप अवॉइड नहीं कर सकते।
جی ریمیٹنس کا اصول تو انہوں نے یہ بنایا نا کہ اگر آپ کوئی ریمیٹنس ہوم ریمیٹنس لاتے ہیں تو کوئی کوئسچن نہیں پوچھا جائے گا, بٹ جو سروسز کی اور گوڈس کے اگینسٹ تو آپ ہوم ریمیٹنس نہیں لاتے نا, وہ تو ظاہر ہے کہ جو فارم بھرا جاتا ہے اسٹیٹ بینک کے لیے اس میں کلیئرلی ڈکلیئر کرنا پڑتا ہے کہ یہ گوڈس کا یہ سروسز کا, صرف اس میں یہ ایک رائت کی ہوئی ہے کہ اگر آپ گوڈس کا لاتے ہیں تو صرف 1% ٹیکس ہے آپ کو گراس ریسیٹس کا, جو بھی آپ کو ریئلائزیشن ان ٹرمس ہوگی بینک 1% لے کا, یہی سروسز کا پرنسپل ہے. بٹ بہت سے لوگ مجھے یہ کہتے ہیں کہ یہ بھی مناسب ٹیکس نہیں ہے کیونکہ ہماری بہت سی ڈیپریسیشن ہوتی ہے, جیسے ایک بندہ آیا اس نے پہلے سال میں گوڈس کریٹ کی, اس نے ایکسپورٹ کی, تو ابھی تو وہ 2-3 سال میں کہتا ہے میں بریک ایون ہو پاتا ہوں کیونکہ وہ میری, اور وہ پھر ایکسپینسز نہیں ملتے یہ پریزمپٹیو ٹیکسیشن کی وجہ سے 1%. تو اس سال انہوں نے بہت شور ڈالا تھا ایکسپورٹرس نے کیونکہ ان کے بہت بڑے بڑے بینک لونز بھی ہوتے ہیں, ان کے مارک اپ نہیں پھر ان کو ملتا, ڈیپریسیشن نہیں ملتی, وہ جو نئی پلانٹ مشینری لگاتے ہیں, تو جس زمانے میں یہ پریزمپٹیو ٹیکس نہیں ہوتا تھا یوزلی ان ہاؤسز کی ٹیکس لاسز ہی آتے تھے, تو اس کو حل نکالنے کے لیے 92-93 میں پہلی دفعہ ٹرن اوور ٹیکس لے کر آئے کہ جی بھلے آپ کا کوئی انکم نہیں ہے, وہ بھی پھر جاری رکھا, تو اس کی وجہ سے تھوڑی ڈسٹارشن ہے پاکستان کے ٹیکس لاء میں کہ یہ ایکچوئل انکم بیس نہیں رہا, تو کئیوں کو تو سوٹ کرتا ہے ایکسپورٹرس کو جن کا 1% ٹرن اوور سے ان کا نیٹ پروفٹ بہت ہائی ہے, تو وہ 35% کیوں دے, وہ کمپنی کہتی ہے تو بہت اچھا ہے, کچھ کہتے ہیں کہ بھائی ہمیں نقصان دہ ہیں, اسی طرح سروس اگر آپ آؤٹ سائڈ رینڈر کریں تو 1% ہے, یعنی ایکسپورٹ آف سروسز کے لیے بات کی, پاکستان میں کریں تو اب انہوں نے 10% آپ کا منیمم کر دیا جس پہ ہم نے اعتراض کیا کہ اٹ کین ناٹ بی منیمم. نہیں ایگزام نہیں ہے, صوبوں کو لگانے کا اختیار ہے, تو 2000 سے صوبوں نے لگایا جی, ابھی یہاں کوئی ریٹس فائل ہوئی تھیں جس میں انہوں نے کلیکشن کرنے کی کوشش کی ہے, تو وہ ساری ان کے فیور میں ہوئی ہیں کہ انہوں نے صحیح طریقے سے پروسیجر نہیں, اس میں پرابلم یہ آ رہی ہے کہ ان کی ول ٹو کلیکٹ نہیں ہے کیونکہ وہ زیادہ تر لوگ خود بھی وہاں موجود ہیں صوبوں میں, وہ لگایا اس لیے تھا کہ آئی ایم ایف نے 2000 میں یہ ٹرانچ دینے سے انکار کر دیا تھا مشرف صاحب کو کہ پہلے آپ جائیے اور ایگریکلچر ان کو ٹیکس لگ, کیونکہ یہ آ کے چیمبر والے شور ڈالتے تھے کہ جی دیکھیں ہمیں ٹیکس لگایا ہوا ہے اور ایک پورا سیکٹر ہی ٹیکس فری ہے, تو آئی واش کے لیے انہوں نے آرڈیننسز کر دیے, وہ ابھی تک ماشاء اللہ آرڈیننسز چل رہے ہیں 2000 سے, تو اس میں صرف ایک صوبے نے یہ کہا ہے کہ آپ کے پروسیجر بھی بتایا کہ ایک ایگریکلچر انکم کمپیوٹ کیسے ہوگی, باقیوں نے کہا کہ آپ پر ایکڑ کے حساب سے دے دیں, اور تو وہ کمپیوٹ کیسے ہوگی ایگریکلچر انکم, اس کے کیا پرنسپلز ہوں گے, وہ گراس تو نہیں ہو سکتی, تو یہاں بھی کچھ ریٹس پینڈنگ ہیں, کچھ لائرس کا کہا تھا اور ڈاکٹرس کی پروفیشنلس پلس ڈائریکٹرس کو کہا تھا کہ آپ کی ایگریکلچر انکم ریٹ پرپز کے لیے ایڈ ہوگی, پتہ نہیں کتنے سال گزر گئے ہیں, اس میں انہوں نے ہمیں مائیکس بلایا تھا, بات تو بڑی سادہ سی تھی مگر وہ ڈیسائڈ نہیں ہو پا رہی, جس میں میں نے یہ ویو لیا تھا کہ جس چیز پہ آپ کو ٹیکس لگانے کا اختیار نہیں فیڈرل گورنمنٹ کو, اس کو ریٹ پرپزز کے لیے کیسے آپ ایڈ کر سکتے ہیں, تو ناجائز سی بات ہے, صوبے اس میں کلیکٹ کرنے کو تیار نہیں, لیکن وہ جو سوال ہم نے شروع میں چھوڑا تھا کہ پھر ایگریکلچر انکم ہوگی کیا, یہ اس کی جو ہسٹورک بیک گراؤنڈ ہے وہ یہ ہے کہ کبھی سب کانٹیننٹ میں ایگریکلچر انکم ٹیکس فیڈریشن کے پاس نہیں ہوتا تھا, کیونکہ اس کا ریشنل یہ تھا کہ چونکہ زمین جو ہے یہ ملکیت ایک فیڈریشن کے اندر صوبے کی ہوتی ہیں, تو اور یہ چونکہ لینڈ سے ڈائریکٹ ریلیٹڈ ایک ییلڈ ہے, تو اس کو ٹیکس کرنے کا اختیار بھی صوبوں کے پاس رہنے دیا جائے, اور اس کی بنیاد کے اوپر سوائے بنگال نے جب لیجسلیشن کی, کیونکہ وہاں کمیونسٹوں کی حکومت رہی ہے ابھی تک پچھلے الیکشنز تک, تو انڈیا کے اندر صرف بنگال کے اندر ایگریکلچر انکم ٹیکس لگا, باقی کسی صوبے نے کبھی سب کانٹیننٹ میں ٹیکس نہیں لگایا ایگریکلچر پر, کہ یہ ویسے میگر انکم ہوتی ہے اور اس کے میں وہ پھر ابسینٹی لینڈ لارڈز بہت امیر بھی ہو جاتے ہیں اور ٹیکس نہیں دیتے, تو یہ ایک بڑا یہاں پولیٹیکل کویسچن ہے سب کانٹیننٹ میں, ان ایک فیوڈل پری ڈومیننٹلی کہنے کو اگر ہو بھی گئے ہیں ہم جہاں تھوڑا بہت انڈسٹریلائزیشن, بٹ پری ڈومیننٹلی ہیں یہ ابھی تک اگریرین سوسائٹیز انڈیا اینڈ پاکستان, مائنڈ سیٹ کے لحاظ سے بھی یہ کم لوگوں کو ہسٹری میں پتہ ہے کہ 2 جولائی کو شاید اس زمانے کی پارلیمنٹ جس نے 2-3 دن بعد یہاں لکو ہو جانا تھا, پاکستان میں فرسٹ ٹائم ایگریکلچر انکم ٹیکس لگا دیا, بھٹو صاحب نے اس کو نکال کر پروونشل سے فیڈرل سبجیکٹ بنا دیا,
दो लॉ पास हुए, एक था लैंड रिफॉर्म एक्ट और एक एग्रीकल्चर इनकम टैक्स एक्ट। उसमें पूरा तरीका बताया हुआ है कि आपको पूरे ट्रैक्टर का 100% डेप्रिसिएशन अलाउंस मिलेगा, ये अलाउंसेज मिलेंगे, उसके बाद जो नेट इनकम होगी उसको उसी तरह प्रोग्रेसिव रेट पे जैसे इनकम टैक्सेशन होती है। ये बात शायद फौजियों को पसंद नहीं आई होगी क्योंकि उस वक्त तक ये बहुत सी स्टेट लैंड ले चुके थे। सो हो सकता है कि 5 जुलाई को जो हम एक डिफरेंट परस्पेक्टिव में देखते हैं कि उन्होंने इसलिए कू किया, किसी हिस्टोरियन ने इस परस्पेक्टिव से नहीं देखा कि बराह रास्त उनको ये फील हुआ कि आप ये जो इन्होंने ये जो दो काम किए हैं, एक लैंड रिफॉर्म वाला कि उससे लैंड्स खत्म हो। तो पहला काम जवाहरलाल साहब ने आते किया कि इन जहर सारे लॉस, ये दोनों लॉस स्क्रैप किए और फिर फेडरल शरीयत कोर्ट से ये भी फैसला करवाया कि लैंड रिफॉर्म अन इस्लामिक और एग्रीकल्चर इनकम टैक्स में। तो शायद हमारे हिस्टोरियन थोड़े से कमज़ोर हैं, किसी ने कोई रिलेट नहीं किया उस जमाने में। मैंने बिल्कुल सही कह रहे हैं, चीज़ देखी है कि उस जमाने तक ये जो आयशा ने किताब लिखी है जिन पे वो मिलिट्री इंक, उसमें अगर आप देखें तो 71 तक वो बहुत सी स्टेट लैंड अपने नाम करवा चुके थे इन द शेप ऑफ अवार्ड्स एंड रिवॉर्ड्स। तो 5 से 6 मरबे ज़मीन मिलती थी एक मेजर जनरल को और जब वो रिटायर होता था, एग्रीकल्चर लैंड भी सो मेजर्स को भी मिली है। तो ये एक बड़ा निगमा है पाकिस्तान की पोलिटिकल जी। बस वो GHQ को रिक्वेस्ट जाती थी, जैसे अभी गई है 10,000 सखर के उनको ज़मीन दे दी है कायम अली शाह साहब ने शहदा के फ़ायदे के लिए। उनका एक बहाना होता है कि शहदा, अब वो उसके बाद इस्तेमाल कौन करता है वो तो अब हम सबको पता ही। तो सो मेनली ये गैरिजन स्टेट है बेसिकली पाकिस्तान जो है, और वो गैरिजन स्टेट के फिर अपने मसाइल होते हैं। एक तो तामिल लम्हात में हम बहुत कंट्रोवर्शियल हो रहे हैं, ये वीडियो के ऊपर जा रही है सर, सेल जनरल सेल्स टैक्स और लॉयर्स के बारे में बात कर रहे हैं जी। तो वो टैक्सेशन का पर्सपेक्टिव पाकिस्तान का जो है वो एक डिफिकल्ट सब्जेक्ट है। रूल्स ऑफ इंटरप्रिटेशन तो खैर बेचारे बहुत बाद में आते हैं। जी जी सर, सर ये बताइए, वैसे जोक सोसाइटी आई मीन रिलेटेड तो डायरेक्टली है नहीं, मगर हाई कोर्ट ने भी और टैक्स बार ने भी, लाहौर बार एसोसिएशन ने भी आप सेल्स टैक्स ऑन लॉयर्स ऑन सर्विसेज ऑफ प्रोफेशनल्स के अंदर खासतौर पे जो लीगल कंसल्टेंट्स पे लगा है उस पे जनाब कहाँ पे स्टैंड करते हैं, क्या सजेशन जी? वो मैंने उनको दिया था, मैं जा रहा था बाहर पढ़ाने की तो ड्राफ्ट करके गया था खुद ही। मैंने ये बेसिक इतराज़ तो ये किया था, एक्सेस टू जस्टिस वाले जो बेसिक चीज़ें वो तो अपनी जगह है, मगर इसमें एक कॉन्स्टिट्यूशनल इशू भी है कि अगर आप फेडरल लेजिस्लेटिव लिस्ट का पार्ट 2 देखें तो उसमें लीगल प्रोफेशन का तो लीगल प्रोफेशन के ऊपर तो लेजिस्लेशन वैसे भी नहीं सूबा कर सकता इंडिपेंडेंट ऑफ दैट, वो तो कॉमन का नहीं, सर्विसेज भी नहीं उनकी आप टैक्स कर सकते आगे भी किया वो। हाँ वो तो दोनों पॉइंट इसमें फिर लिए हैं, एक तो जाहिर है कि लिटिगेंट बेचारे वैसे ही यहाँ जस्टिस उनके लेने के लिए एक्सपेंसिव है, ऊपर से आप उनसे ये कह रहे हैं कि तुम अब तो उसको 5 कर दिए उन्होंने, बड़ी मेहरबानी फरमाई है हम पर कि आप 5 ही दे दें। तो वो असल में इसमें और हम तो रेंडर करते हैं अपनी जो है असिस्टेंस, सर्विस हम नहीं देते हैं। ये जो कंसिडरेशन है हमारी ये बाहर कैफ अब कंट्रोवर्शियल हो सकता है, बट मेरा ये ख्याल है कि इसको चूंकि इसका अल्टीमेटली बर्डन जो है वो तो लिटिगेंट पे शिफ्ट होगा, तो वो एक इट्स नॉट ए गुड पॉलिसी। पर जब हम आगे ही हमारे यहाँ काफ़ी एक्सपेंसिव और डिलेड जस्टिस है उसके अंदर हम और इस तरह की रुकावटें डालना कितना मुनासिब सी बात है, मगर ये प्रोविंसेस ये सोचते हैं कि हम कहाँ कहाँ से ज़्यादा रेवेन्यू कलेक्ट कर सकते हैं। मेरा ख्याल है कि वो इसमें उनको जो है एक वेंचर करने की कोशिश की, लेकिन बाई वॉट एवर नेम कॉल्ड जो था टैक्स एडवाइजर, एक ये भी आर्गूमेंट है कि हम अगर टैक्स की भी एडवाइस दें तो हम बेसिकली अपने बार काउंसिल की उसी में रहते हैं, हमें आप ब्रांड नहीं कर सकते टैक्स एडवाइजर। सो मे बी उनका क्लैरिफिकेशन अगर ली जाए तो ये मकसद हो कि वो ITPs जो चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं होते या और प्रोफेशंस के लोग जैसे कोई सीमा है, और प्राइमरीली
वो ऑडिट के साथ टैक्स सर्विसेज भी दे रहे हैं और बाई वट एवर नेम कॉल्ड, तो लॉयर का तो उन्होंने, और वैसे अगर आप चैप्टर 90 भी देख लें कस्टम वाला, तो हम उसमें एक और हेडिंग में हैं, वो इस हेडिंग में हमें नहीं है इस, क्योंकि जो हार्मोनाइज्ड है उसमें लॉयर्स हैं भी नहीं उसमें, तो हमारे दो तीन उसमें स्ट्रॉन्ग पॉइंट हैं। जी जी, ऑब्वियस बात है, अगर एंटी डंपिंग का आप कोई प्रोविजन निकालेंगे तो उसकी भी स्ट्रिक्ट इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉ की जाएगी। वहाँ ये नहीं कहा जाता कि सिर्फ चूंकि एंटी डंपिंग है, क्योंकि देखिए आम तौर पर ये जितने भी फिजिकल स्टैट्यूट हैं इनमें जो सबसे बड़ा इशू आता है वो ये है कि देर इज़ सम फिनेंशियल इम्प्लीकेशन ऑफ दैट। तो कोर्ट्स ने ये प्रीवी काउंसिल के ज़माने से लेकर, क्योंकि ये 1886 से इसकी हिस्ट्री है, बहुत सा केस लॉ है, तो ये तय किया गया कि चूँकि देखिए इट्स ए मैटर दैट सिटीजन इज़ आस्क्ड टू पे सम मनी, सो इट कैन नॉट बी इन ए मैनर दैट ओके आई वॉन्ट दिस, आई एम सेइंग दिस, दिस इज़ द स्पिरिट ऑफ द लॉ। सो ये शुरू से ही लेटर ऑफ लॉ एंड स्ट्रिक्ट इंटरप्रिटेशन फॉर चार्ज एक बड़ा सोची समझी बात है, बिकॉज ऐसे किसी से टू से टू पार्ट विद मनी नहीं हो सकता। आई एम सॉरी बट एंटी डंपिंग के अंदर इस तरह लागू होगा वो तो इज नॉट फिस्कल इन इट्स नेचर एट ऑल, क्योंकि उसमें मकसद ये है, उसमें प्रीएम्बल ये कहती है टू ऑफसेट इंजूरियस डंपिंग, यू नो इज इन पब्लिक इंटरेस्ट। नहीं मैं उसकी सिर्फ वर्डिंग की बात कर रहा हूं, इंपोर्टर के ऊपर या जी जी नहीं मैं उसकी वर्डिंग की बात कर रहा हूँ कि देखिए अगर उसके वर्ड्स के अंदर कोई ऐसी चीज़ पैदा हो जाती है कि इवन देन आप एक चीज़ पे एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाना चाहते हैं बट कस्टम तो आप नहीं लगा पाए, उसके अंदर से भी एक चाइनीज़ इम्पोर्टर निकल जाता है, तो आप ये नहीं कह सकते कि हम सारे चाइनीज़ इम्पोर्टर पे लगाना चाहते थे। मिसाल के तौर पर आपने ग्रैन्यूल को वहाँ होते हुए एक हेडिंग लिखा, He is falling in another heading. So you cannot say कि मेरा सारे ग्रैन्यूल को लगाने का मकसद था, वो कहेंगे जी आप दूसरे को भी लिख लें। तो unless you bring that particular commodity within the ambit of anti-dumping, by inference you cannot say कि for this particular raw material we wanted to block dumping in Pakistan. So that is the main crux is that there should be a very clear law. इसीलिए सेकंड प्रिंसिपल इज दैट वेयर एवर टू पॉसिबल इंटरप्रिटेशंस आर देयर द वन फेवर द फेवर नहीं इसमें वैसे फेवर द टैक्स पेयर आएगा इसमें तो यू शुड गो अगेंस्ट इट्स बिकॉज़ टैक्स पेयर तो आपका समवन यू आर अलेजिंग टू हैव बीन डंपिंग एक्चुअली फेवर टू टैक्स पेयर इसलिए जाएगा कि वो खास ग्रैन्यूल जिसको आप एंटी डंपिंग में लाना चाहते हैं नहीं ला पाए तो उसे हक में चला गया ना। उसको फेवर देने का मतलब तो ये होगी कि आप अपनी डोमेस्टिक इंडस्ट्री नहीं नहीं अब देखिए आपको वो मना तो नहीं कर रहा ना कि आप उसको ना लाएं। अगर आप 10 आइटम्स को लेकर आए हैं जो 11th उसमें से इसलिए निकल रही है कि आपने एक्सप्लिसिट वर्ड से नहीं डाली तो दूसरा एसआरएस करने के लिए तो आपको वो मना नहीं कर रहे ना, आप भले कर ले वो, बट ये इन्फ्रेंस से तो नहीं कह सकते ना कि एक कलेक्टर रोक ले आपका माल ये कह करके जी इस पर तो ये एंटी डंपिंग लगी है, तो यू विल हैव टू शो हिम कि दिस इज़ द राइट दैट देखिए आप तो हार्मोनाइज्ड हेडिंग्स है ना, तो आपको वर्ल्ड के मुताबिक हार्मोनाइज हेडिंग के अंदर जाकर उसको ब्लॉक करना पड़ेगा कि डंपिंग लगानी पड़ेगी। सर आपका क्वेश्चन सर ये अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन ने जो सबसे ज़्यादा तशरीह की है अमेरिकन सुप्रीम कोर्ट ने वो कॉमर्स लॉज की है इंट्रा स्टेट इंटर स्टेट कॉमर्स इस पर बहुत ज़्यादा कानून सारी हुई है ये बता दें और दूसरी ये टैक्स इंडस्ट्री स्कीम जो इस वक्त पार्लियामेंट में है और BIA बिल सबसे हॉट इशू है तो इस पर जो है लोग रेट्स कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में तो आपने भी कोई रेट के हाथ सुनी इस इशू किया ही है वो तो टैक्सेशन का है एमनेस्टी का बताइए वेरी स्टार्ट ऑन दैट एमनेस्टी का स्कीम जो है इसके खिलाफ अगर आप हमारी कोई मदद करें हम भी सुप्रीम कोर्ट चले जाएं क्योंकि असद उमर हर रेट लेके इमरान खान को इंप्रेस करता है वो हमारा मैं ड्राफ्ट कर रहा हूं वैसे वाले साहब मेरे ड्राफ्ट कर रहे हैं तो वो मैंने शौक है वो इमरान खान को इंप्रेस करने के लिए सिर्फ ट्रेडर्स को एमनेस्टी ये इजंट इट डिस्क्रिमिनेटरी ये तो मेरा ख्याल है कि किसी तरह जस्टिफाई नहीं है कि आप जो हम लोग 35% टैक्स देते हैं हम 10 वाले में नहीं आते क्योंकि हमारा जो जब बनती है इनकम तो ऑब्वियसली वो हम 10 से बहुत आगे निकल जाते हैं
तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम हम तो फिर ये समझेंगे कि हम कोई बेवकूफ थे कि हमने लिखी कि वो बात कि इसमें सर्विसेज को नहीं दिया, तो अगर सर्विस वाला भी 1% दे के अपना सारा वाइड कर सकता था, तो हम अगर अपने आप से इनको कंपेयर कर लें, सर्विस प्रोवाइडर को नहीं दी ये फैसिलिटी, तो ये पहली दफ़ा ऐसी इंडस्ट्री आई है जो बहुत ही ट्रेडर फोकस्ड है, क्योंकि इसकी बैकग्राउंड ये है कि ट्रेडर्स किसी तरह काबू नहीं आ रहे थे, वो लंबे बैंक अकाउंट्स बेनामियों पे काम कर रहे थे। 27 जून को मुझे कॉल आई कि जी वो चेयरमैन साहब आपको ख़ास मिलना चाहते हैं। मैंने तो वैसे जाता नहीं अब यहाँ जब से छोड़ा, तो मैंने कहा जी क्या वजन का जी, वो डार साहब यहाँ आए 26 को, उन्होंने बहुत उनको डांटा कि भाई आप उनकी भी कभी राय लिया करें। मैं खैर चला गया, वही केस भी था इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इतफाक से। तो मैंने कहा जी ये एक अगर आप एक्शन करेंगे तो उससे ये सारे ठीक हो जाएंगे, आप कहें जी हर बैंक ट्रांजैक्शन पे हम टैक्स काटेंगे 0.6%। तो उसमें फिर बड़े बड़े जो इस्टेब्लिश बिजनेस वाले भी थे, वो जो आउट ऑफ बुक्स काम करते थे, वो अकाउंट्स के ज़रिए कर रहे थे। एनी हाउ मैंने उन्हें कहा कि इसके बाद ये ज़बरदस्त हंगामे करेंगे और आप लोग फिर एमनेस्टियाँ लाएंगे और ये हरकतें भी आप करेंगे, तो उसमें मैं अभी आपको वार्न करता हूँ कि ये आप स्टैंड नहीं कर सकेंगे इनका प्रेशर। उनका नहीं नहीं हम बड़े वो हैं। और तारिक भाई साहब ने कहा जी इस दफ़ा तो हम उनकी बिल्कुल पॉलिटिकल लोगों की भी हमें जो है वो बैकिंग हासिल है और दिस एंड दैट। और फिर मैं बाहर से आया तो वही हंगामे रही शुरू थी, पहले उसको कभी 0.3 किया, फिर पहले तो ये इस पर कोई दो राय नहीं है कि ये पेटेंटली अनकॉन्स्टिट्यूशनल हरकतें हैं जो हम देख रहे हैं स्टेट के अंदर, कि आप वो लोग जो ऑनेस्टली टैक्स पे कर रहे हैं उनको आप पिनलाइज कर रहे हैं, जहाँ टैक्स नहीं ड्यू उनसे भी ले रहे हैं, जैसे अभी हमने बहुत सी विद होल्डिंग प्रोविजंस का जिक्र किया, और जो बाहर निकल आए जिसकी शटर पावर है उसको आप कह रहे हैं कि अभी तुम सिर्फ, ये तो एक समझिए कि पीनट्स है ना, उनको देकर आप अपना सारा वाइट भी कर लें और नॉमिनल टैक्स दें। तो इस पर तो मेरी तो बहुत स्ट्रॉन्ग आपको, मैं हर एमनेस्टी के खिलाफ लिखता भी हूँ और लिखता भी रहा। अब जहाँ तक लिटिगेशन का मामला है, बहुत से पार्टीज करेंगी, बहुत से इंडिविजुअल्स करेंगे, सो अच्छी बात है कि इसके ऊपर कोर्ट्स बताएं कि भाई ये और वो अल्टीमेटली IMF के लोगों ने भी मुझे कहा कि जी इनको हमने मना किया कि आप ना करें, तो उन्होंने कहा जी नहीं ये एमनेस्टी नहीं है, दरअसल ये हम नेट में लोगों को, अब वो कहते भाड़ में जब हमारे तो पैसे दो, तो हमें तो पैसे चाहिए। तो अल्टीमेटली देखें ना, उनका तो एक सूद और पैसे लेने का ताल्लुक है ना, कहते भी जहाँ से भी लाए, अभी आखिरी रिव्यू चल रहा था 10th, उसके बाद शायद ये नए वाले में उनको चाहे नेट में ला के सेट असाइड करवा लेते हैं जी। वो अगर नेट में आ जाएंगे 3 साल दे भी देंगे तो वैसे ये क्वेश्चन मार्क है कि कितने लोग देंगे, इन्होंने 20 लाख का कहा है अब अल्टीमेटली इसके, लेकिन सक्सेस हो या ना सक्सेस हो, हम तो असूली तौर पर इसको प्रिंसिपल पे तो बिल्कुल नहीं हम इसको जस्टिफाई कर सकते। अब एनी अदर क्वेश्चंस प्लीज सर, अगर आप देखिए वो हमारे यहाँ वो इशू इसलिए कम रहा, जैसे मैंने आपसे किया ना कि वहाँ तो इसका ज़्यादा मसला ये भी था कि गुड्स का जो टैक्स लगाने का राइट हैंडेड का वो स्टेट्स के पास रहा हमेशा। हमने ये किया कि ये जो सेक्शन 100 था इंडियन एक्ट का 9th, उसमें ये सूबों के पास ही था, मगर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने ले लिया और कभी वापस नहीं किया। अब इंटरेस्ट है तो तब लड़ाई हो ना इंडिया में, तो देखे ना इसलिए है ना कि पहले स्टेट लगाती हैं, फिर जब इंटरस्टेट वही गुड्स जाती हैं फिर दोबारा लगता है, अब वो भी हार्मोनाइज लगाने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसके 2-3 अमेरिकन तो हार्मफुल जो कॉम्पिटिशन था और उसके बहुत सख्त खिलाफ है कि इसको आप स्टीम लाइन कर, वैसे भी ऐसा ही होना चाहिए। कैनेडा गुड मॉडल है कि वहाँ उन्होंने हार्मोनाइज सेल टैक्स सारी स्टेट्स ने नहीं अभी उनके किया, लेकिन 9 के साथ उनका एक माहदा है कि वो एक ही अथॉरिटी लगाती है, जैसे कैनेडियन रेवेन्यू अथॉरिटी, डिवीजन तो फिर उसी तरह ही होती जैसे हम हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, उनका भी नेट प्रोसीड जाने का है। तो उसके बाद आप उसको हार्मोनाइज लगा लेते हैं बजाय दो दो दफ़ा लोगों को लगाना पड़े, क्योंकि गुड्स एंड सर्विसेज के ऊपर हार्मोनाइज सेल टैक्स का फ़ायदा ये होता है कि उससे फिर आपको एक से ज़्यादा जगह इनपुट्स के प्रॉब्लम नहीं होते। लेकिन अमेरिका ज़रा डिफरेंट मॉडल इसलिए कि उन्होंने अनलाइक यूरोप कभी VAT मॉडल नहीं लिया, सारी स्टेट्स ने सिंपल सेल टैक्स लगाया हुआ है एक स्टेज का। तो ये भी कोई ज़रूरी बात नहीं है कि हम हर बात में, चूँकि हम चूँकि ज़्यादा
IMF के उसमें रहे, स्कीम्स में उनसे पैसे लेते रहे, तो उन्होंने जो एक्सपर्ट्स भेजे सो कॉल्ड, उन्होंने आकर वही वेस्टर्न मॉडल पकड़कर हम पे, अब यहाँ सप्लाई चेन्स कैसे बनेंगी कि अगर आप अच्छी एक जूतों वाली भी बहुत बड़ा आउटलेट है, वो जूते किसी छोटे से एक तो उससे सर्विस प्रोवाइडर से उसके तले लगवा रहा है, उससे कि जी तुम मुझे इनपुट दो, वो इनपुट ना दे, इसको उनको क्रेडिट ना मिले, सो यहाँ के मसाइल अपनी तरह के हैं। तो ये इंटरेस्ट रेट के अंदर हमारे अब झगड़े शुरू हो गए ना, ये PRA कहता है कि चाहे जहाँ मर्जी टर्मिनेट हो, अगर पंजाब की कंपनी है तो वो सारा यहाँ टैक्स दे, सिंध कहता है कि नहीं जी जो सिंध की रेजिडेंट कंपनी है वो जहाँ मर्जी टैक्स दे, वो हमें टैक्स दे, आपस में भी झगड़ते। FBR कहता है मैं क्यों तुम दोनों को इनपुट दूँ, उनका मैं ही देता। ये तो अभी बहुत बुरी तरह से ये झगड़े जो अब अजय जाकर, जब मेरा ख्याल है कि आर्टिकल हमें 184(1) की पटिशन करनी पड़ेगी खुद भी जाकर, क्योंकि उसके अलावा एक्सक्लूसिव ज्यूरिसडिक्शन सिर्फ सुप्रीम कोर्ट की है जब झगड़े हों गवर्नमेंट्स के दरमियान, और जहाँ लोगों ने रिट्स किए हैं मैं उसके खिलाफ हूँ। अभी एक मेरे बैंक ने मुझे पूछा भी है, मैं मना कर रहा हूँ कि आप सीधा ही 184 में जाइए, क्योंकि यहाँ एक रोजन टर्पेंटाइन फैक्ट्री होती थी बाटापुर में गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की, उसकी लिटिगेशन गई थी सुप्रीम कोर्ट और उन्होंने सारी कोर्ट्स को झाड़ा था कि आप पहले ये बताएं कि आप ये केस कैसे सुनते रहे, जबकि ये हमारी एक्सक्लूसिव ज्यूरिसडिक्शन थी। ट्रिब्यूनल ने फैसला कर दिया, हाई कोर्ट ने फैसला कर दिया, और फिर जब उनके पास पहुंचा तो पहले तीन पैरे इसी बात पर हैं कि भाई ये क्या मजा, हम ये नहीं करें, इन कोर्ट्स को भी नहीं बनना। तो मैंने ये पर्सनली इन्हें लिख कर दिया कि जी ये तो एक्सक्लूसिव ज्यूरिसडिक्शन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की है, आप पूछें उनसे कि सर्विस पे किसने टैक्स लगाना है, सर्विस है क्या, इंटर स्टेट अगर ट्रेड होनी है तो उस पर टैक्सेशन क्या होनी है, इस तरह से तो हर एक ट्रांसग्रेस करते रहेंगे, क्योंकि आर्टिकल 141 में क्लियर लिखा हुआ है कि एक्स्ट्रा टेरिटोरियल लॉ सिर्फ फेडरल गवर्नमेंट नेशनल असेंबली पर लगा बना सकती है, वो सूबे बना ही नहीं सकते। तो सूबे कैसे एक दूसरे के ऊपर जाकर टैक्स करके इंटर स्टेट ट्रेड को तबाह करेंगे, तो ये यहाँ पे अभी हुए ही नहीं ये इशू। अब 18th अमेंडमेंट के बाद भी कोई ऐसी वर्थ वाइल लिटिगेशन नज़र नहीं आ रही जो सुप्रीम कोर्ट गई हो और ये सारे इश्यूज वन फॉर वहाँ पे हल करवा लिए जाएं। अब मैंने एडवाइस किया तो मे बी अगले आने वाले दिनों में हम वहाँ ये पटिशन फाइल करें। आपका जो क्वेश्चन है टैक्सेशन की हद तक तो नहीं है, लेकिन कॉम्पिटिशन कमीशन का जो केस चल रहे हैं ना वो बहुत फंडामेंटली इसी नुकते के ऊपर, इंट्रास्टेट और इंटरस्टेट के ऊपर ऑलरेडी बीच में सेंट्री के ऊपर चल रहे हैं। मंसूर अली शाह साहब के साथ हेड कर रहे हैं फुल बेंच और उसका फैसला वगैरह सुप्रीम कोर्ट में जाने वाला है, तो वहाँ पे भी मामला क्रैश आउट होगा। अगर आपने डिटेल में डिस्कस करना है तो इस पे मैंने काफ़ी काम किया हुआ, तो ख़त्म हो गए हमारे आर्ग्यूमेंट सारे के सारे काउंसिल्स के, मैं कॉम्पिटिशन कमीशन की तरफ से था, कंक्लूड हो गए, अब सिर्फ रिबटल चल रहा है, वैसे आपसे मैं डिस्कस कर लूँगा। एनी अदर क्वेश्चन प्लीज? सर हमने रिकॉर्ड तोड़ दिया एक्चुअली लेक्चर का, करके आए, एंड इट इज प्रॉब्ली अ कॉम्प्लीमेंट टू जनाब के इतने टेक्निकल सब्जेक्ट के ऊपर और इतनी टेक्निकल बातों के साथ दोस्तों ने आपका आपको भी आजम नजीर तारर साहब का रिकॉर्ड था जी 2 घंटे का, तो 2 घंटे 5 मिनट हो गए। डॉक्टर साहब को हम इन तहे दिल से एक्चुअली शुक्रिया अदा करेंगे, और सर और ये भी पॉइंट आउट करेंगे कि लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन किसी बंदे को अगर कोई हाईएस्ट कॉम्प्लीमेंट दे सकती है वो चुप करके उनको सुनना और 2 घंटे के लिए इतनी देर के लिए सुनना, सो दैट इज़ अ कॉम्प्लीमेंट टू योर प्रोफेशनलिज्म एंड योर कॉन्ट्रीब्यूशन टूवर्ड्स द लॉ एज वेल सर, इट्स एन ऑनर। बहुत शुक्रिया आप सबका, मैं शुक्र हूँ कि आप लोगों ने सुना भी और मैं कोशिश की कि कुछ अपनी आपके साथ शेयर भी कर सकूँ। थैंक यू मच, थैंक यू। आप सारे दोस्त आ जाए, तस्वीर होनी चाहिए यादगार की, डॉक्टर साहब इधर ही आ जाइए, वाइटल पेन खत्म हो गया, दोबारा ले रहा यार, मेरे फोन से भी उतार लेना प्लीज ये रेंडर करके। डॉक्टर साहब 20 किताबें लिखी हैं तो लाइब्रेरी को भी डॉक्टर साहब जी सारी किताबें जी जी बिल्कुल, कोई मसला नहीं है सर, नहीं प्लीज पहले भेजी थी ये तो बात ही नहीं दिशा की, प्लीज इससे भी नादल कर ले आज आप दोस्तों से, बल्कि बेहतर होगा कि आप भी खड़े हो जाए पीछे स्टेज के ऊपर तो ज़्यादातर बेहतर तस्वीर आएगी आपकी सारी, इस तरह करके अनलाइकली आइए, बट ये चेक कीजिए एसेंशियल किताब है।
ये वाली आपकी साइटेशंस कल बताओ मुझे थोड़ा सा इशू आपने केस को कहते हैं पीटीडी की साइटेशंस नहीं और किसी नहीं पीटीडी की भी थी इज इक्वल टू सारी दी आज इज इक्वल टू सारी की हुई थी आई सर आ जाइए सर आइए ना सर सामने आ जाइए आइए सर भाई साहब आ जाएं पीछे से उतारना है ये बुक्स लेने जा रहे हैं उधर एक्सपो सेंटर लाइब्रेरी के लिए थैंक यू शुक्रिया सर अखबार में आर्टिकल उन सब की एक किताब आ गए अगर आप अखबारों की वो सारे कितने का आर्टिकल हो गए अखबारों में जो तो हाँ और जो रिक्स जो स्ट्रीट बोर्ड में वाले वो आपके पास पड़ी नहीं है वो अभी अभी बनाई नहीं अभी तो उनको एडवाइस किया था बाद एक्चुअली में जाएगा यार रिकॉर्डिंग ऑफ कर दीजिए इसकी आप कोई प्लान नहीं मेरा आप कोई नहीं खत्म करने का प्रॉफिट प्लीज अब हम 20 तारीख को बहुत बड़ा कर रहे हैं सेमिनार